ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ್ ಜಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ನೀ ಸರ್ ಥೋಡಾ ಇನ್ಕೋ ಓ ಏನಿ ಕವರ್ ಹೋರಾ ಹಾಂ ಸಭಿಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿ ಝೋನ್ 1 ಜೋ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಪಂಜಾಬ್ ಸೇ ಜುಡೆ ಹುವೆ ಸಭಿ ಝೂಮ್ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ಜುಡೆ ಹೈ ಸಭಿಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾ ಸರ್ ಹೈ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಸರ್ ಹೈ ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ್ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೈ ನೌ ಮೈಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ नमस्कार मैं अनिल कुमार नायर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहा हूं जैसे कि हमारे डॉक्टर अतीक ने बताया कि आज जोन वन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका कैसा समाधान होगा इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे इस जोन में प्रमुख राज्य हैं पंजाब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो भी हमारे किसान भाई इन सुदूर क्षेत्रों में बैठे हुए हैं चाहे वो लद्दाख में बैठे हों चाहे उत्तराखंड के गढ़वाल या कुमाऊं की पहाड़ियों में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और पंजाब से और हिमाचल प्रदेश के सभी केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र में जुड़े हुए हमारे किसान हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको उनको एक एक करके मैं जैसे जैसे विषय आते जाएंगे उनको मैं इंट्रोड्यूस कराते जाऊँगा पैनलिस्ट भी बहुत हैं हमारे इस सेशन में उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ इसके अलावा जो कृषक उत्पादक संघ है जिनको कि हम एफपीओस के नाम से जानते हैं वो देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं और वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मैं इस कार्यक्रम के रिपोर्टर डॉक्टर प्रिया देवी जी का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ और यहाँ बैठे हुए सभी हमारे संस्थान के कर्मचारीगण हमारे वैज्ञानिकगण सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में मेरे साथ आज विशेषज्ञ हैं मेरे साथी सहयोगी और वैज्ञानिक जो कि हमारे संस्थान में काम कर रहे हैं डॉक्टर अंजनी कुमार झा जो कि फलों के बारे में बात करेंगे और मेरे मित्र और सहयोगी डॉक्टर राजीव कुमार भी जो कि फूलों से संबंधित जो जो भी समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बात करेंगे और मैं स्वयं आपको जो सब्जी फसलों में जो जो नुकसान होता है उसको कैसे दूर किया जाए या जो हमारी उच्च उपज देने वाली किस्में हैं उस सब के बारे में बताऊँगा सो कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं जय जय कृषि परिषद भारत की सुखद प्रतीक हरित भारत की कृषि धन पशु धन मानव जीवन दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन वैज्ञानिक विधि नव तकनीके पारिस्थितिकी का संरक्षण शस्य श्यामला छवि भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की हिम प्रदेश से सागर तट तक मरुधरती से पूर्वोत्तर तक हर पथ पर है मित्र कृषक की शिक्षा शोध प्रसार सकल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की ICAR, IIHR बेंगलुरु की स्थापना सन 1967 में बागवानी फसलों में पर्यावरण हितैषी टिकाऊ तथा व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के उद्देश्य से की गई थी यह संस्थान बागवानी फसलों की सतत उत्पादकता गुणवत्ता और उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत रणनीतिक व अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित क्षेत्रीय केंद्र के साथ संस्थान में 54 बागवानी फसलों पर 154 वैज्ञानिक कार्यरत हैं संस्थान में शोध कार्यों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं प्रक्षेत्र तथा संरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस उपलब्ध हैं बागवानी से संबंधित जनन द्रव्य का सक्रिय भंडार है जिसमें 10,000 से अधिक जीनोटाइप संरक्षित हैं संस्थान में पादप निदान मृदा विज्ञान तथा खाद्य सुरक्षा संप्रेषण से संबंधित प्रयोगशालाएं हैं जिनमें फसलों के विश्लेषण के लिए विभिन्न आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं अपने 5 दशक के अनुसंधान द्वारा
संस्थान ने 136 प्रौद्योगिकियों तथा 301 से अधिक उच्च उपज तथा प्रतिरोधी किस्मों व संकरों का विकास किया है। ICAR IIHR द्वारा विकसित किस्मों व प्रौद्योगिकियों का व्यापारिक नाम अर्का है। संस्थान द्वारा फलों, सब्जियों, शोभाकारी व औषधीय फसलों में विकसित किस्मों व संकरों में प्रमुख अमरूद की किस्म अर्का किरण, भारत में टमाटर की 3 रोगों की प्रतिरोधी प्रथम संकर अर्का रक्षक, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म अर्का विशेष, मिर्च की संकर अर्का मेघना, अनुवांशिक नरबंध गेंदा अर्का बंगारा, रजनीगंधा अर्का प्रज्वल, गुलाब की किस्में अर्का परिमला तथा अर्का सिंचना और किवांच की किस्म अर्का शुभ्रा है। IIHR ने एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट तथा रंबूटान की नवीन किस्मों की खेती, 12 सब्जी फसलों की जैविक खेती तथा संरक्षित खेती की उत्तम विधियों का मानकीकरण किया है। IIHR द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों में प्रमुख अर्का सूक्ष्मणीय मिश्रण एक द्रव्य आधारित उत्पाद है जो उपज बढ़ाने में सहायक है। फल मक्खी जाल जो फल मक्खी के प्रकोप को कम करने में सहायक है। जैव पीड़कनाशी, मूल संवर्धन कटाई के बाद प्रौद्योगिकियां, निर्जलीकृत शुष्क फल व सब्जियां, परिरक्षक मुक्त व पीने के लिए तैयार कटहल का रस, कटहल चॉकलेट रैप, कटहल कुकीज, प्रोबायोटिक फल रस, सौर ऊर्जा चलित सब्जी वेंडिंग वाहन, मशरूम स्पॉन उत्पादन उपकरण तथा पीड़क नाशकों के अवशेष को हटाने के लिए हर्बल उत्पाद अर्का हर्बी वॉश है। संस्थान ने 2 कृषकों श्री परमेश व श्री शंकरा को कटहल की अनुवांशिक विविधता के संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान कर जैव विविधता को आजीविका सुधार के साथ जोड़ा है। इसके द्वारा उनकी आय में 10 गुना वृद्धि हुई है। संस्थान के प्रौद्योगिकियों का इंक्यूबेशन बेस्ट हॉल्ट तथा बिक्री कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के माध्यम से किया जाता है। संस्थान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है तथा 50 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ समझौता भी है। विकसित किस्मों और प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए KVK की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में 1000 से अधिक प्रदर्शन किए गए हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों तथा किस्मों के हस्तांतरण हेतु सन 2017 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। एक बीज पोर्टल ऐप SBI योनो से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से किसान अपने घर पर ही बीज प्राप्त कर सकते हैं, और एक अन्य ऐप अर्का भगवानी को विकसित किया गया है। संस्थान की प्रौद्योगिकियों को 400 लाइसेंस धारियों द्वारा गैर अनन्य आधार पर खरीदा गया है तथा संस्थान द्वारा विकसित 12 प्रौद्योगिकियां देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए का योगदान दे रही हैं। आज कई आविष्कारों व पहचान के साथ भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु बागवानी फसलों के अनुसंधान कार्यों में एक प्रधान संस्थान बनकर उभरा है। किसान भाइयों, आपने अभी हमारे संस्थान के बारे में जो जानकारी वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रही थी, मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। अभी आप जो फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, जो दृश्य दिखाया जा रहा है, ये हमारे ड्रोन के माध्यम से लिया हुआ इस साल जो हम लोग यहाँ पे अपने संस्थान में विभिन्न फसलों की यानी कि सब्जी, फल और फूलों से संबंधित जितने भी हमारे वैरायटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन क्षेत्र में उसकी प्रदर्शनी लगाई है। करीब 200 से ज़्यादा किस्में हैं, उच्च उपज देने वाली किस्मों के साथ साथ प्रतिरोधी किस्मों का भी यहाँ पे आप ड्रोन के माध्यम से देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। इसके अलावा 300 से अधिक प्रौद्योगिकियों को हम लोग ने विभिन्न खंडों में इसको चुना है और उसको प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। ये सारे जो छोटे छोटे प्रदर्शन हैं, एक एक खंड में आप देख सकते हैं 1 या 2 वैरायटी को हमने लगाया हुआ है।
और वर्षा के जल का कैसे संग्रह किया जाए उसको भी हमने प्रयास किया है, और इस जल को आप पॉली हाउस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे वर्षा 800 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम अगर वर्षा का संचय करेंगे तो पॉली हाउस में उगाई जाने फसलों को करीब आप 4 महीने तक उसमें उस वर्षा का सिंचाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ये अब आप जो देख रहे हैं ये पुष्प या शोभाकारी और औषधीय फसलों का प्रक्षेत्र है, बगल में आम का और अमरूद ये सब की हमने जो उच्च उपज वाली किस्में हैं और संकर हैं उन सब का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। ये हमारा मुख्य पंडाल है जहाँ से हम लोग आपके आपसे जुड़ पा रहे हैं। सुंदर पुष्पों का ये जो चित्र है आप देख सकते हैं, वर्क साधने में सफल हो पा रहे हैं। ये एक छोटा सा दृश्य है, ये आपको ड्रोन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हमारा जो संस्थान है वो करीब 650 एकड़ में फैला हुआ है, और ये जो प्रदर्शनी क्षेत्र है ये करीब 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है। प्रत्येक वर्ष इसी जगह पे हम सभी बागवानी फसलों की किस्मों का यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि किसान एक ही जगह पे फल फूल और सब्जियों से संबंधित नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। उसी के बगल में हुआ है ये हमारा जो सभागार है, जहाँ पे किसान अपने स्टॉल्स को भी देखते हैं और वैज्ञानिकों से परिचर्चा भी कर सकते हैं। ICAR IIHR बेंगलुरु की स्थापना सन 1967 में बागवानी फसलों में पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ और व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली तकनीकों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। ओडिशा में भुवनेश्वर में स्थित एक क्षेत्रीय केंद्र के साथ संस्थान में 54 बागवानी फसलों पर 154 वैज्ञानिक काम करते हैं। क्या आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा देती हैं, इसमें बीज उत्पादन, नर्सरी, अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम, फॉलियर सूक्ष्म पोषक तत्व, फेरोमेन ट्रैप, जैव कीटनाशी, सब्जी व फलों के मूल्यवर्धित व ऑस्मोटिक रूप से निर्जलित उत्पाद व मशीनरी प्रमुख हैं। जैव विविधता को आजीविका सुरक्षा से जोड़कर संस्थान ने 2 किसानों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया और वह अब अपनी मूल आय से 8 गुना अधिक कमा रहे हैं। सब्जियों फलों व शोभाकारी फसलों में बीज उत्पादन व नर्सरी उद्यम दोनों की संभावनाएं व अवसर हैं। SBI योनो ऐप द्वारा संस्थान के बीजों को किसानों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ तकनीकें जैसे कि केले की एले की किस्म में ऊतक संवर्धन गुणन तकनीक का प्रयोग कर कम समय में अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं तथा आधे कीमत में एक पौधा तैयार होता है। तरबूज व खरबूजे में खुले परागण के किस्म, मिर्च में रोग प्रतिरोधी किस्मों के बीज उत्पादन, सस्योत्तर उत्पाद को उद्यम के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे संस्थान की सामान्य जानकारी के बाद अब हम अपना जो तकनीकी सेशन है उसको शुरू करना जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जोन में जितने भी केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र थे और अटारी थे उनसे हमने समस्याएं सुनी और जो भी वो जानकारी लेना चाहते थे उसको हमने एकत्रित किया, और जो सामान्य समस्याएँ हैं उसको हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे 16 राज्यों में स्थित आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी केंद्र हैं और जितने भी हमारे कृषक उत्पादक संघ हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो यहाँ से हम बातें कर रहे हैं वो उनके लिए लाभदायक होंगे। मैं उन सभी का भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आम की बात करेंगे सबसे पहले। आम में कैसे कैनोपी मैनेजमेंट किया जाता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर अंजनी कुमार झा जी से। वो कृपया बताएं कि इसका क्या महत्व है और कैसे करना चाहिए। धन्यवाद अनिल सर। जैसा कि आपको पता है आम में जो फल लगते हैं वो बाहर की तरफ लगते हैं, और पहले 100 पौधे ही 1 हेक्टेयर में लग पाते थे। अब जो चलन है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकें, तो इसमें क्या करते हैं हम कि इन सीटू ग्राफ्टिंग कराते हैं, 1 से 2 साल तक पौधे को जहाँ लगाना है वहीं लगा करके, और फिर हम पौधे में जहाँ पर वो लगे हुए हैं वहीं पर उनकी सायन वैरायटी से उनकी ग्राफ्टिंग कराते हैं, और उसके बाद
हम एक मीटर तक की हाइट को रख करके छटाई कर लेते हैं। छटाई करके हम उसमें चार प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांचेस को प्रमोट करते हैं ताकि कैनोपी पूरी तरह डेवलप हो जाए। हमारा मकसद है कि हम सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकें और जो फल है वो हमारे पौधों की संख्या कम भी हो तब भी फल हमारे ज़्यादा लग पाएँ। और ये बाहर की तरफ लगते हैं इसलिए इजी हार्वेस्टिंग हो जाती है अगर छोटे पौधे होते हैं। धन्यवाद डॉक्टर अंजनी जी। अब हमारे संस्थान द्वारा विकसित आम की जो दो किस्में हैं अर्का उदय और अर्का सुप्रभात, कृपया उसके बारे में जानकारी दें जिससे कि हमारे किसान भाई इससे लाभान्वित हो सकें। अभी विगत कुछ सालों में हमारे संस्थान ने दो आम की अच्छी संकर किस्म का विमोचन किया है सर। एक है अर्का उदय और एक अर्का सुप्रभात। ये दोनों में पेरेंट्स हमारे आम्रपाली और अर्का अनमोल हैं। ये फल गुच्छे में लगते हैं और दोनों नियमित फल देते हैं यानी हर साल फल देते हैं। और इनके गूदे जो हैं वो दृढ़ हैं और गहरे नारंगी रंग के होते हैं, लाइकोपिन और कैरोटेनॉइड कंटेंट से भरपूर होते हैं और ये सघन खेती के लिए उपयुक्त हैं। ये दोनों पौधे हमारे अर्का सुप्रभात और अर्का उदय। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि नियमित इसमें फल लगते हैं तो मुझे आशा है कि किसान इसको अपनाएंगे और हर साल इसकी पैदावार वो इससे प्राप्त कर सकेंगे। इस जोन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी फसलें हैं वो ज़्यादातर टेम्परेट जोन की हैं, इसलिए हम जुड़ना चाहेंगे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जो कि श्रीनगर में स्थित है, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेब में कैनोपी मैनेजमेंट और कैसे हमें क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिल सकता है या उसमें लगने वाले जितने भी एक जो विशेष कीट है उसका कैसे समाधान किया जाए, इसलिए हम जुड़ना चाहेंगे डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर वसीम और डॉक्टर जावेद जो कि हमसे श्रीनगर से जुड़ेंगे। कृपया संक्षेप में बी प्रिसाइज और जितना इन्फॉर्मेशन बहुत कम समय में आप देना चाहेंगे ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और किसानों को इससे फायदा होगा। आप जुड़ चुके हैं, आप कृपया शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। इसमें जो कैनोपी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी बताया गया है कि कैनोपी मैनेजमेंट से जैसे आजकल हमारा एप्पल का हाई डेंसिटी मिशन आ रहा है, इसमें हमने एक मॉडल किया है टॉल स्पिंडल मॉडल। इसमें हम कैनोपी ऐसे बनाते हैं कि फ्रूट लोड भी प्लांट का ऑप्टिमम हो जाएगा और जो क्वालिटी फ्रूट की आती है जिसमें लाइट का डिफ्यूजन और पेनिट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है उससे हमें मैक्सिमम क्वालिटी आती है। क्वालिटी में दो चीजें हैं, एक तो फ्रूट कलर है, फ्रूट कलर भी ऑप्टिमम होना चाहिए। जो हमारी लाइट इंटेंसिटी है जिसको हम पीपीएफडी में मेजर करते हैं वो हमें 80-90% इसमें डिफ्यूजन होता है इसका, उसकी वजह से इसका फ्रूट कलर बहुत अच्छा आता है। और जो यूवी पेनिट्रेशन और डिफ्यूजन है वो भी ऑप्टिमम हो जाती है जिसकी वजह से इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी आते हैं। तो फ्रूट क्वालिटी के जो कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है फिनॉल्स है फ्लेवोनॉइड्स है वो भी इसमें ऑप्टिमम आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये कैनोपी मैनेजमेंट हम रिकमेंड करते हैं चाहे टॉल स्पिंडल सिस्टम है या स्प्लेयर सिस्टम है एप्पल में, इसमें हम मैनेज करते हैं एप्पल की डेंसिटी 2,222 प्लांट या 3,333 प्लांट पर हेक्टेयर में, जिससे एक फार्मर कम से कम 40 से 50 टन पर हेक्टेयर लेता है। और इसके इकोनॉमिक रिटर्न्स अगर हम देखें आज की रेट में वो इसमें से कम 30 लाख एक हेक्टेयर से ले सकता है आफ्टर 4 इयर्स ऑफ कल्टीवेशन सर। डॉक्टर साहब क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के बारे में थोड़ा बताइए। पवन बोन वसीम हसन राजा बताएंगे। हाँ सर, रिगार्डिंग क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हमारे पास छोटे डिफरेंट रूट स्टॉक पे जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारे पास हाई डेंसिटी सिस्टम है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी सिस्टम है, मीडियम डेंसिटी सिस्टम है, उसके डिफरेंट रूटिंग सिस्टम रूट्स है। जैसे M9 है, M106 है, MM111 है, M27 है, P22 है, B9 है, ये कुछ स्टॉक सब यूज होते हैं। दूसरा जो हाई डेंसिटी सिस्टम हमने बनाया है जैसे टॉल स्पिंडल है उसके लिए हम बोलते हैं कि जो है उसके लिए फेदर्ड प्लांट्स होने चाहिए, क्योंकि फेदर्ड प्लांट्स वो होते हैं जिसमें ऑलरेडी फेदर 5 से 7 ऑलरेडी डेवलप हो चुके हों। तो उस फेदर प्लांट को जो है डेवलप करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी भी बनाई है और वो फेदर्ड प्लांट प्रेफर्ड होते हैं, क्योंकि फेदर्ड प्लांट में जो बियरिंग एज है एक तो फ्रूटिंग जल्दी आ जाती है अर्ली ईयर्स में और जो उनकी क्वालिटी होती है जो फ्रूट है वो अच्छा आता है और उनकी जो फिर लाइफ है प्लांट ऑर्चिड की वो अच्छी रहती है क्योंकि उसमें कट कम लगते हैं और जो बियरिंग एरिया है वो
जो है बढ़ जाता है। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल में एक तो हम रूट स्टॉक जो है उसको मल्टीप्लाई करने की टेक्नोलॉजी भी हमने बनाई है, जो कि हम फार्मर को दे चुके हैं और फार्मर उससे फायदा भी ले रहे हैं। दूसरा जो है फेदरिंग जो है, जिसमें हम डिफरेंट फेदर्स 5 से 7 फेदर डेवलप करते हैं, वो भी हम जो है फार्मर्स को देते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारे जो प्लांट है उसमें नई नई वेराइटीज हमने लाई है, क्योंकि रूट स्टॉक के साथ साथ अच्छी अच्छी किस्में भी जो आज फार्मर प्रेफर करते हैं, जिसमें कलर म्यूटेंट्स है जो है रेड डिलिशियस के, जैसे जो है रेड ब्लॉक्स है, हमारा सुपर चीफ है, जेरोमाइन है, रेड ब्लॉक जो है, बाकी वेराइटीज है रेड, अच्छी वेराइटीज आई है। उसके बाद गाला सीरीज भी हमारी है, जिसमें गाला रेड लम है, शिनिगो गाला है, या गाला वल है, या गेल गाला है, ये सब वेराइटीज हमने लाई है। इनका फायदा ये है, एक तो जो गाला सीरीज है हमारी, इनका जो है विग्रस जो है प्लांट्स फार्मर को मिल जाते हैं। दूसरा इनमें जो है जब आर्चर वो एस्टेब्लिश करता है, बियरिंग जल्दी आ जाती है, क्योंकि ग्रोथ अच्छा है, मेंटेन करने में अच्छा ठीक रहता है। उसके अलावा जो है जो फ्रूट आता है वो बहुत अच्छा आता है इसमें जो है गाला सीरीज में। तो ये सब जो है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के जो हमारे पास सब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, रूट स्टॉक रेजिंग के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, उसके बाद हमें जो सेकंड मुख्य क्रॉप है वो आलमंड के बारे में, आलमंड के बारे में हमें फ्रूट सेट पॉलिनेशन और पोस्ट पेस्ट कंट्रोल एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बताइए। बहुत खुशी हो रही है आप लोग से बात करके, आप लोग श्रीनगर में बैठे हैं, मगर दर्शकों के लिए और हमारे किसान मित्रों के लिए मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आलमंड के बारे में, फ्रूट सेट पॉलिनेशन के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर जावेद, कोई भी वहाँ पे, हाँ जो भी बात कर रहे हैं वो अनम्यूट करें और बाकी लोग अपना थोड़ा म्यूट कर लें तब तक के लिए। हाँ सर, जो हमारा जो एलमंड है उसमें जो अर्ली फ्रॉस्ट से हमारा डैमेज हो जाता था फ्रूट, तो चूंकि फार्मर ने जो कल्टीवेशन इसका छोड़ दिया था, और दूसरा इसमें पॉलिनेशन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि एप्पल में हम पॉलिनाइजर यूज करते थे, पॉलिनेटर यूज करते थे, लेकिन अभी फार्मर्स में इतना रुझान नहीं था कि वो पॉलिनेटर या पॉलिनाइजर एलमंड में यूज करे। और इसमें जो है सीडलिंग ओरिजिन प्लांटिंग थी, जो सीड पे लगाते थे, जो अननोन क्वालिटी होती थी और इसमें वेरिएबिलिटी बहुत होती थी। इसके लिए हमने किया कि सर हमने जो है इसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स, हमने पॉलिनाइजर ग्रुप्स बनाए, एक तो वेराइटी है और दूसरा ग्रुप्स है। हमारे पास सिथ में लगभग CITH श्रीनगर में लगभग 13 से 15 जो वेराइटीज है, कल्टीवर्स है, जो है हमने इवेल्युएट किए हैं, उनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में बनाए हैं, मेन वैरायटी एंड एज पॉलिनाइजर। और उसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे अर्ली ब्लूमिंग, मिड ब्लूमिंग एंड लेट ब्लूमिंग, उसके हिसाब से हमने उनके पॉलिनाइजर भी बनाए हैं, पॉलिनाइजर्स फॉर अर्ली ब्लूम, पॉलिनाइजर्स फॉर लेट ब्लूम, मिड ब्लूम एंड लेट ब्लूम। उसके अलावा जो हमने देखा कि जब हम दो वैरायटीज को मिक्सड में लगाते हैं तो इससे जो है फ्रूट सेट में बहुत फायदा मिलता है। उसके अलावा जो पहले हमने, चूंकि स्प्रिंग फ्रॉस्ट था उसके, उसमें हमने ये किया कि जब जो वेराइटीज जैसे जहाँ पे अर्ली फ्रॉस्ट ज्यादा आता है या जो हाई एरिया है, हाई जो इसमें जो जिसका ज्यादा हाइट है, उसमें हमने लेट ब्लूमर वेराइटीज इंट्रोड्यूस की, ताकि जो है उस एरिया में जिसमें अर्ली स्प्रिंग फ्रॉस्ट से प्रॉब्लम होती थी, वहाँ हम लेट ब्लूम वेराइटीज लगा के उनको भी हम इवेल्युएट कर रहे हैं, और फ्यूचर में जहाँ पे हमें स्प्रिंग फ्रॉस्ट की प्रॉब्लम है, इन द मीन टाइम हम लोग इसमें ब्रीडिंग भी शुरू किए हैं, हमने इंट्रोड्यूस किए हैं लेट ब्लूम वेराइटीज जो है उसके पेस्ट कंट्रोल और पोस्ट हार्वेस्ट के जो नुकसान है उसको जल्दी से एक दो लाइन में बता दीजिए, जो नुकसान होता है। गुड मॉर्निंग सर। सर जो आलमंड के पेस्ट और डिजीजेज आते हैं, मोस्टली इसमें जो डिजीज आते हैं, एक तो ब्लॉसम ब्लाइट आता है और दूसरा आता है जो गमासिस प्रॉब्लम है इसमें, और सेकंड जो इंसेक्ट प्रॉब्लम है उसमें एफिड ज्यादा, मतलब जिसका रोल होता है इसकी क्वालिटी डिग्रेड करने में। और जो एफिड आता है, एफिड के लिए हम सर इसमें डाइक्लोरोवास या प्लस या दिस क्लोरोपाइरीफास का 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं इन स्प्रिंग सीजन, उसी टाइम उसमें वो एफिड की प्रॉब्लम ज्यादा आती है।
दूसरा जो ब्लॉसम ब्लाइट एंड गमासिस की प्रॉब्लम आती है, गमासिस और ब्लॉसम ब्लाइट के लिए हमने एक स्प्रे शेड्यूल डिवाइस किया है अपने इंस्टीट्यूट में, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 स्प्रे जो करने हैं, मोस्टली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के प्लस कैप्टॉल प्लस दिस कैप्टॉल प्लस मैनकोजिब और कार्बन डाइजम प्लस मैनकोजिब, इनकी इनकी 3 स्प्रे प्लस माइक्रोब्यूटानिल की और एक स्प्रे, जो 4 स्प्रे हम करते हैं इसमें ब्लॉसम ब्लाइट और प्लस जो हमारी गमासिस बहुत हद तक कंट्रोल रहती है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हम जो वॉलनट की अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है उसके बारे में जानकारी दीजिए, वॉलनट में अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। ओके डॉक्टर जावेद। सर मॉर्निंग सर, जो वॉलनट की वैरायटीज है एक्चुअली बेसिकली जो J&K या हम देखेंगे पूरे इंडिया में वैरायटी थी ही नहीं, तो यहाँ पे सीडलिंग ऑरिजिन वॉलनट ग्रो करते थे, एक वॉलनट एक वैरायटी मानी जाती थी, मिक्सचर होता था उसका, तो सारा जो भी मैच्योरिटी पीरियड है वो तो वेरी हो जाता था। अब हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ने 10 वैरायटीज बनाई है जो रिलीज भी की है इंस्टीट्यूट वैरायटी रिलीज कमेटी ने, हमने वो रजिस्टर भी कराई है PPVFRA से, उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो हमारा मतलब मिड टू लेट मैच्योरिंग है सारी। इसमें हम जो देखते हैं मैच्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस है वैरायटी की यूनिफॉर्मिटी, वो हमने अटेन तो कर ली है इन वैरायटीज से। अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स वॉलनट में है जो लेटरल बेयरिंग की प्रॉब्लम है मैच्योरिटी से ज्यादा, अब उसका हम ब्रीडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, बट अभी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर की CITH वॉलनट 1, 2, 3, 4 and 5 है, इनकी जो मैच्योरिटी है ये बाकी जो कल वहाँ पे वॉलनट ग्रोइंग एरियाज की मैच्योरिटी है उनसे अर्ली है, वो हमने अटेन कर रखी है। और हमारे पास जो CITH वॉलनट 6 में बेचने के लिए, आप उसके लिए अपनी तरफ से अपने संस्थान में जरूर प्रयास करेंगे। अब चेरी में जो जो बीमा जो पेस्ट मैनेजमेंट है उसका और उसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए। सजाद विल टेक ओवर चेरी के चेरी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सर चेरी की जो प्रॉब्लम है, चेरी में अगर पेस्ट डिजीज का देखा जाए तो उसमें भी मोस्टली हमारे पास जो बीमारियां आती है उसमें तो शॉर्ट होल डिजीज आती है, दूसरा उसमें प्रॉब्लम होती है फ्रूट फ्लाई की, तो फ्रूट फ्लाई और शॉर्ट होल की डिजीज, और थर्ड जो प्रॉब्लम आती है उसमें गमासिस की प्रॉब्लम आती है, ये 3 प्रॉब्लम चेरी में भी बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग है, कश्मीर को देखे चाहे हिमाचल को देखे, तो उसको उसका समाधान ये है कि जैसे ये है जैसे फ्रूट फ्लाई के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डिवाइस की है कि कुछ ल्यूर्स लगाते हैं अपने फील्ड्स में जो अट्रैक्टेंट्स होते हैं इंसेक्ट जो ये फ्रूट फ्लाई उसको कैप्चर करने के लिए, दूसरा उसमें ये करते हैं कि बिफोर जैसे फ्रूट कट जैसे ही फ्रूट स्टार्ट हो रहा है कि आफ्टर फ्लावरिंग हम एक स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड की चाहे डाइमिथोएट या क्लोरोपाइरिफास की, वो स्प्रे उस टाइम करते हैं सो देट की जो ये फ्रूट फ्लाई इसमें अंदर घुसे गए अंदर घुसा हुआ होगा सो देट की वो उसी टाइम मर जाए, उसके बाद सेम स्प्रे हम रिपीट करते हैं आफ्टर 15 डेज। लेकिन जो बीमारियां आती है जैसे शॉर्ट होल की डिजीज होती है इसमें या दूसरा गमासिस की प्रॉब्लम है, सेम हमने एक स्प्रे शेड्यूल डिवाइस किया है फॉर चेरी आल्सो सो देट की जो ये बीमारियां हैं इनको हम कंट्रोल में रखें। मोस्टली हम जो स्प्रेज करते हैं इसमें हम एक पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे भी देते हैं, सेकंड आफ्टर फ्रूट सेट विद इंसेक्टिसाइड करते हैं, इंसेक्टिसाइड प्लस फंजिसाइड एक साथ करते हैं, उसके बाद 15 दिन और 15 दिन के बाद और 2 स्प्रेज करते हैं। मोस्टली हम सिंपल जो ज्यादा महंगे वाले फंजिसाइड नहीं होते कैप्टॉन प्लस मैनकोजिब या कार्बन डाइजम प्लस मैनकोजिब, तो उनसे इनकी जो ये बीमारियां हैं वो मतलब बहुत हद तक वो कंट्रोल में रहती है। तो चेरी की अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी शेल्फ लाइफ चेरी की अर्ली मैच्योरिंग शेल्फ लाइफ के बारे में बताइए डॉक्टर साहब। शेल्फ लाइफ डॉक्टर वसीम शेल्फ लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप उनको बताइए चेरी की शेल्फ लाइफ। हां सर चेरी में चेरी की शेल्फ मेरा हो गया अनम्यूट। हां अनम्यूट हुआ सर। एम आई ऑडिबल? हाँ सर, जो चेरी की अर्ली वैरायटीज भी हमारे पास है, एक तो उसमें अर्ली फ्लावरिंग की वैरायटीज है या जो मखमली वगैरह है हमारा वहाँ पे वो अर्ली तैयार होता है, लेकिन सर जो मेन प्रॉब्लम है फ्रूट सेट की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पॉलिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनिंग प्रोनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, साइज की भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है पेरिशेबिलिटी। इट इज हाईली पेरिशेबल क्रॉप्स, वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट इट टू अदर स्टेट्स बिकॉज ऑफ पेरिशेबल नेचर, बट रिसेंटली हमने जो लेट तैयार होती है वैरायटीज उनका जो स्किन भी है मोटा होता है तो वो वैरायटीज हमने इंट्रोड्यूस की है, तो जो है रेगिना हमने इंट्रोड्यूस की है, उसका थिक होता है जो स्किन होता है, तो उसमें कुछ शेल्फ लाइफ ज्यादा है,
लेकिन इवन दैट इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट स्टेट्स. तो इसमें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया लास्ट ईयर भी कि सब्सिडाइज किया इसको ट्रांसपोर्ट को थ्रू कार्गो टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो उसमें और जो हमने भी जो उसमें सी ए स्टोरेज वगैरह की अभी फैसिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत, लेकिन हाईली पेरिशेबल क्रॉप है, लोकली ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है. सो प्रोडक्ट थोड़ा बना रहे हैं हम सी ए टी एच में, हमने इसमें जो प्रोसेस प्रोडक्ट. ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब. अब लीची में फ्रूट क्रैकिंग की समस्या को कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी देंगे आप? सर, लीची एक्चुअली लीची इज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप, सो वी आर फ्रॉम टेम्परेट रीजन. जरूर. देखिए, आप लोगों ने इतने दूर रह के भी श्रीनगर से हमारे किसान भाइयों के लिए आपने सेब में, ऑलमंड में, वॉलनट, एप्रिकॉट, पेयर, कीवी और चेरी में संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन था उसको आपने, हम यहाँ बैठे हुए इतने दूर दक्षिण में, वहाँ आप तक पहुँचाया आपने जो भी इन्फॉर्मेशन था. और सुबह सुबह मुझे मालूम है काफ़ी ठंड है, मगर इसके बावजूद भी आप लोग वहाँ पे मौजूद थे 9:30 बजे के आसपास, सिर्फ किसानों के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए. और जो आपके पास जितने भी टेक्नोलॉजी है उनको हिंदुस्तान के सभी किसान उसको अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए आपने जो सूचना दी उसके लिए मैं आप तीनों को, डॉक्टर सज्जा, डॉक्टर वसीम और डॉक्टर जावेद, और आपके संस्थान के निदेशक जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर देशबीर सिंह को, मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आपके साथ हमारा संपर्क बना रहेगा और आपसे हमें सूचनाएं प्राप्त होंगी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ऑल द थ्री, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू. सो अभी आप लोगों ने देखा कि जो हमारे इस जोन की जो मुख्य फसलें थी ज़्यादातर टेम्परेट जोन थी से रिलेटेड थी, फ्रूट क्रॉप्स में हमने उसके बारे में आप लोग को जानकारी दी. अब हम लेंगे सब्जी. सब्जियों में हमारे संस्थान ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे. आप लोग श्रीनगर वाले प्लीज अपने आप को म्यूट करें, श्रीनगर के हमारे साइंटिस्ट लोग. या आई वेलकम डॉक्टर बी के पांडे जी जो कि हमारे हॉर्टिकल्चर साइंस डिवीजन में एडीजी साहब हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं. अब हम सब्जियों के बारे में जो हमारे संस्थान की जो भी तकनीक है, जो भी किस्में हैं, संकर है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टमाटर से. टमाटर में हम संस्थान द्वारा 3-4 जो किस्में हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा. अर्का रक्षक और अर्का सम्राट जो हैं वो 3 रोगों के प्रतिरोधी हैं, जो 3 मुख्य रोग हैं, जैसे कि टमाटो लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली ब्राइट है. और दोनों का जो वजन होता है वो 90 से 100 ग्राम है. और जो खासकर अर्का रक्षक जो है उसको दूर क्षेत्रों में हम यहाँ से बेच सकते हैं, और फ्रेश मार्केट के लिए भी है और प्रोसेसिंग के लिए भी. अर्का अभेद जो है इसमें 4 डिसीजेस के लिए हम लोग ने इसमें लेट ब्लाइट को भी जोड़ा है, उसकी प्रतिरोधी किस्म है. उपज जो है 70 से 75 टन प्रति हेक्टेयर होती है और 140 से 45 दिन में ये फसल पूरी हो जाती है. इसके जो फल होते हैं वो पर हेक्टेयर किसान आसानी से उगा सकता है. इसके बाद ये अर्का रक्षक हमारे किसान ने अपनाया है, उनका जो विचार है अर्का रक्षक के बारे में वो हम देखना चाहेंगे. मैं एच लाउकीमा सिल्फिर गांव ऐजवाल मिजोरम से हूँ. मैंने अनेक वर्ष से टमाटर की खेती करते आ रहा हूँ, लेकिन रोगों की बाधा और बैक्टीरियल विल्ट से बहुत परेशान हूँ. ICAR IAHR बेंगलुरु द्वारा विकसित की गई अर्का रक्षक टमाटर बोया हूँ. हमारे केवी के सलासी से मुझे ये बीज मिला था. ये बहुत ही अच्छी किस्म है. मुझे 1 किलो टमाटर से 60 रुपया मिलता है. मुझे देखकर बहुत किसान अर्का रक्षक की मांग कर रहे हैं. मैं इस किस्म से बहुत संतुष्ट हूँ. जैसे आपने सुना, सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसान ने बताया कि अर्का रक्षक उगा के वो काफ़ी प्रसन्न है और उनको अच्छी कीमत भी प्राप्त हो रही है. इसके बाद हम बात करेंगे हमारे संस्थान में
विकसित की गई अर्का विशेष और अर्का अपेक्षा जो कि प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त टमाटर की किस्में हैं। अर्का विशेष और अर्का अपेक्षा जैसे मैंने बताया प्रसंस्करण के लिए उपयोग में लाई जाती है और इसकी उपज जो है 75 से लेके 90 टन तक है दोनों वैरायटी की देखा जाए तो। और इसका उपयोग हम टमाटर में प्यूरी पेस्ट केचप और सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो विशेष जो गुण है इसमें जो कुल घुलनशील पदार्थ है जो TSS है 4 से 4.7 डिग्री ब्रिक्स तक पाई जाती है। तो ये दोनों जो किस्में हैं वो हमने प्रोसेसिंग के लिए डेवलप की है। किसान इसको उगा के इसको आप वीडियो में देख सकते हैं एक ही बारी में सारे जो हमारे फल होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और एक ही तुड़ाई में सारे फल किसान इसको प्राप्त करके सीधे इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में उपयोग में ला सकते हैं। प्रोसेसिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो उसके संबंध में जो हमारा वीडियो है वो देखना चाहेंगे। टमाटर में हमने बहुत सारे उत्पाद बनाए हैं विशेषकर इसमें जो क्रश टेक्नोलॉजी है इसको उपयोग में लाया जा सकता है। इसको हम लाइसेंसिंग भी कर रहे हैं। विभिन्न उत्पाद जैसे कि मैंने प्यूरी है केचप है क्रश करके भी आप इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं सीधे उपयोग में ला सकते हैं जिससे कि आप जब ज़्यादा आपको पैदावार हो रही है आप इसके विभिन्न उत्पाद बना सकते हैं और अपने पास इसको रख सकते हैं जिससे कि बाद में जब इसकी कीमत ज़्यादा हो इसको इस्तेमाल करें। इसको हम इसका लाइसेंसीकरण भी करने के लिए तैयार है और अभी तक लगभग 13 जो लाइसेंसधारियों को हम ये इसकी जो लाइसेंस है वो दे चुके हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखना चाहेंगे सनसिप एग्रो प्रोसेसर उनका क्या अभिप्राय है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारी कंपनी सनसिप एग्रो प्रोसेसिंग द्वारा अर्का टमाटर क्रश के उत्पादन के लिए ICAR-IIHR से तकनीकी का लाइसेंस लिया गया है। यह घर में प्रयोग होने वाले पदार्थ के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट जहां ज्यादा मात्रा में ऐसे तुरंत प्रयोग करने वाले पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए काफी उपयोगी है। हमारी कंपनी में फिलहाल 1 टन उत्पाद तैयार करने की क्षमता प्रतिदिन है। कोरोना के महामारी के दौरान इस तकनीक का बहुत सारे टमाटर के किसानों को फायदा पहुंचा है। अभी आपने सुना है कि कैसे इस तकनीक का लाइसेंस लेने के बाद उनको हमारे जो मित्र हैं उनको कैसे फायदा हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे टमाटो में जो ट्यूटा की समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए। अभी हाल के दिनों में ये एक समस्या उभर कर आई है इसलिए हमारे संस्थान ने लाइट कम सक्शन ट्रैप जो है इस ट्यूटा नामक कीट के लिए तैयार किया है। इसके द्वारा नुकसान जो है लगभग 90 से 100% तक होता है। आप देख सकते हैं कि टमाटर में छोटे छोटे से छिद्र आप उसके फलों में देख पाएंगे जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। उसको रोकने के लिए संस्थान द्वारा विकसित जो प्रौद्योगिकी है उसमें हमने जैसे बताया प्रकाश और खिंचाव वाला जो है जो अट्रैक्ट करता है सक्शन करता है उसके लिए जो ट्रैप इस्तेमाल किया है आप उसका उपयोग करें जिससे कि ना सिर्फ आप उसके जो यंग हैं बल्कि एडल्ट्स वगैरह को भी कंट्रोल करने के बाद इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। इससे इस तकनीक को अपनाकर हमारे जो किसान मित्र हैं उनकी जो उनका जो अभिप्राय है उसके बारे में। मैं सीता केम्पनहल्ली बैंगलोर से हूं। मैं 1 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहा हूं। पिछले कई सालों से मुझे टूटा नामक कीट से बड़ी परेशानी हो रही है। मेरी उपज 30 से 40% टूटा की वजह से घट रही है। IIHR के वैज्ञानिकों ने मुझे लाइट ट्रैप दिया जिसमें सारे टूटा आके वहां बैठते हैं और नीचे से सक्शन फैन जो है उनको नीचे खींच लेता है। टूटा 100% खत्म हो जाते हैं। अभी मेरी फसल बहुत अच्छी है और मुझे 100% उपज मिल रही है। जो 30 से 40% का घाटा हो रहा था वो अभी इस लाइट ट्रैप की वजह से नहीं हो रहा है। जो रासायनिक छिड़काव मैं पहले इस्तेमाल करता था उसको मैं बड़ी मात्रा में कम कर दिया हूं। आपने सुना कैसे हमारे किसान मित्र ने इस तकनीक को अपनाया और अब इस टूटा की जो समस्या है उसका वो कैसे
निदान कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे मिर्च की फसल। संस्थान द्वारा विकसित कुछ संकर किस्में हैं जो कि प्रतिरोधी हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले अर्का मेघना है, जिसके में आप उपज जो है 30 से 35 टन पर हेक्टेयर मिलती है। अर्का हरिता वो एक बहुत ही तेज है और पाउडरी मिल्ड्यू ना और जो हमारे वायरस हैं उसके प्रति थोड़ा सहनशील है। अर्का मेघना इसकी उपज जैसे मैंने आपको बताया 30 से 35 टन और ये बाजार जो है उसके लिए उपयुक्त है, सामान्य बाजार के लिए। और जो सूखी उपज होती है वो 5 टन प्रति हेक्टेयर है। अर्का श्वेता की उपज 28 से 30 टन प्रति हेक्टेयर और जो सूखी उपज होती है वो 4 से 5। अर्का ख्याति भी एक प्रतिरोधी किस्म है और हाई यील्डिंग भी है, संकर है, 35 से 38 टन मिलता है और ड्राई 5 से 5.5। तो आपने देखा ये जो चारों जो वैरायटी हैं अर्का मेघना, अर्का श्वेता, अर्का ख्याति, ये सब 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर की उपज देती है और साथ में जो सूखी मिर्च है उसकी उपज भी 5 से 5 टन प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद हम जानना चाहेंगे हमारे किसान मित्र, उनका क्या, उन्होंने अर्का मेघना को अपनाया है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अर्का मेघना फार्मर्स फील्ड। मेरा नाम संपत है, मैसूर जिले से नंजनगोड़ तालुक का हूँ मैं। मैं मिर्च में आने वाले पाउडरी मिल्ड्यू नाम की बीमारी से बहुत सालों से परेशान था। जब से मैंने मिर्च की अर्का मेघना किस्म को लगाना शुरू किया तब से मैं उच्च गुणवत्ता के रोग प्रतिरोध फसल ले रहा हूँ। इससे मैं अब तक 1,20,000 रुपये कमा चुका हूँ और बची हुई फसल की तुड़ाई से लगभग 2.5 लाख रुपए कमाने की उम्मीद कर रहा हूं। अब जो प्रतिरोधी किस्मों की जो कड़ी है उसमें शोध कार्य को आगे बढ़ाते हुए एक जो सबसे मुख्य बीमारी है वो है लीफ कर्ल वायरस, यानी कि पर्ण कुंचन वायरस जो है, ये मिर्च की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने अभी हाल ही के दिनों में अर्का गगन, अर्का यशस्वी, अर्का तेजस्वी, अर्का सानवी और अर्का तानवी नाम के 5 जो संकर हैं उसका विकास किया है, जिसकी उपज 30 से 35 कुंटल सूखी उपज है प्रति एकड़ है और लगभग 100 कुंटल उसकी जो हरी मिर्च के रूप में प्रति एकड़ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसान अगर इन किस्मों को विभिन्न क्षेत्रों में उगाएंगे तो जो लीफ कर्ल वायरस की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। अब मिर्च के बाद हम बात करेंगे प्याज की। प्याज में भी संस्थान द्वारा बहुत सारे किस्मों का विकास किया गया है, उसमें मुख्य रूप से हैं अर्का भीम, अर्का योजित, बिंदु जो कि छोटी किस्म है और उसको पूरा निर्यात किया जाता है, अर्का कीर्तिमान और लाली संकर किस्में हैं, निकेतन और कल्याण हमारी काफ़ी लोकप्रिय किस्में हैं, स्वादिष्ट और जो सफ़ेद रंग का है, अर्का योजित भी सफ़ेद रंग की है, अर्का सोना पीले रंग के हैं। तो हमारे पास एक तरीके से बोलिए कि बहुत सारी किस्में हैं जिसका कि किसान अपने सुविधा अनुसार अपने जो क्षेत्र में बाजार की जो मांग है उसको ध्यान में रख के वो विभिन्न जो किस्में हैं उनको चुनाव कर सकते हैं और अब इससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता भी 30 से 45 टन प्रति हेक्टेयर है। कुछ किस्में जो हैं वो खरीफ और रबी दोनों के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं। आप सारे चित्र देख रहे होंगे, अर्का स्वादिष्ट जो है वो सफ़ेद रंग का है, अर्का सोना थोड़ा पीले रंग का प्याज है और इनकी उपज 40 से 45 टन प्रति हेक्टेयर है। अभी हम ऐसे ही हम जैसे अर्का उज्ज्वल जो है वो मल्टीप्लायर ऑनियन है छोटे, जो कि खासकर हम लोग यहाँ पे दक्षिण भारत में उसका इस्तेमाल अपने जो व्यंजन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसी से संबंधित एक वीडियो है हमारे किसान मित्र का, वो बताना चाहेंगे कि अर्का उज्ज्वल से उनको क्या लाभ हुआ है। अर्का उज्ज्वल फार्मर्स फील्ड। मैं चामराजनगर से माधव शेट्टी हूँ। मैं पिछले 4-5 सालों से सांबर वाली छोटी प्याज की खेती कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे अर्का उज्ज्वल सांबर प्याज के बारे में पता चला मैं IIHR से बीज मंगाकर खेती करने लगा। इसका उपज देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। बाकी किस्मों की तुलना में इसकी उपज जो है दुगनी है। मैं इस बारी करीब 70 से 80 क्विंटाल की उपज प्राप्त किया हूँ।
जैसे कि आपने देखा कि हमारी किस्में किसानों तक पहुंच चुकी हैं, हम सभी किसानों की प्रतिक्रिया नहीं ले सकते हैं, मगर जहां भी संभव हो सकता है हम दिखा रहे हैं कि जो किसान ने जो भी तकनीक और प्रौद्योगिकी को लिया है उससे उसको क्या फ़ायदा हो रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनियन डी टॉपर का, कैसे उसका कटाई के उपरांत इस यंत्र का इस्तेमाल होना चाहिए। डी टॉपर संस्थान ने, देखिए आप देख सकते हैं एक वीडियो डी टॉपर का, आप उसका श्रेणीकरण भी कर सकते हैं, उसके साइज के हिसाब से उसको अलग अलग खंड में रख सकते हैं और उसके बाद उसको डी टॉपिंग कर सकते हैं जिससे कि उसकी निदाइने आयु बढ़ाई जा सके। और इसकी क्षमता देखिए 1.5 टन प्रति घंटा है और सभी प्रकार के जो प्याज है मतलब आकार के आधार पर उसके लिए इसको उपयोग में लाई जा सकती है। इसकी कीमत सिर्फ 30,000 रुपये है और इसको हमने एक लाइसेंसधारी ने इसको प्रयोग में लाना शुरू कर दिया है। कोई किसान अगर उद्यमी इसको अपनाना चाहे वो हमारे संस्थान से संपर्क कर इस डिश टॉपर को अपना सकता है। और इसी को जो अपनाया है जिस किसान मित्र ने वो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, उससे संबंधित ए वी चलाया जाए ऑनियन डी टॉपर। इस मशीन ने हमारी श्रम लागत को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। मशीन की कार्यक्षमता बहुत अच्छी है, इस मशीन की दक्षता 90% है। इस मशीन के द्वारा प्रति घंटे 1 टन प्याज के डी टॉपिंग का काम किया जा सकता है। इस काम के करने में जो कठिनाइयां होती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। हम ICAR IIHR के इन प्रयासों को धन्यवाद अर्पित करते हैं। आपने इनकी जो प्रतिक्रिया थी वो सुनी। इसके बाद जब उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि टमाटर आलू और प्याज ये हमारी 3 मुख्य सब्जी फसलें हैं और इसको अधिक उगाकर कैसे उसके उत्पाद बनाया जा सकता है, जब कीमतें बड़ी हों तो इस उत्पाद का प्रयोग कर कैसे हम इसका जो पैसे की बचत कर सकते हैं, उससे संबंधित जो प्रोसेसिंग किया जाता है ऑनियन में उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बहुत सारे उत्पाद हमने अपने संस्थान में बनाए हैं, आप देख सकते हैं डिहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लैक्स हैं, ऑनियन का पाउडर बनाया हुआ है, ब्राइंड ऑनियन है, ऑनियन पेस्ट है। तो ऑनियन पेस्ट वगैरह को अगर आप अपने घर में रखेंगे तो जब भी आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़े रहते हैं और ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल फ्रेश ऑनियन जो प्याज है आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनियन पाउडर वगैरह विभिन्न व्यंजनों में आप इस्तेमाल कीजिए और ब्राइंड ऑनियन देखिए जो सफ़ेद रंग की जो किस्म है उसको कैसे एक सॉल्यूशन में रखा गया है। ये हमारे बहुत सारे उत्पाद हैं, अगर इससे संबंधित जानकारी आपको अगर भविष्य में चाहिए तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑनियन में ही प्याज में ही हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटीज़ बीज की उपलब्धता जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, कैसे उत्तम गुणवत्ता वाले बीज किसानों को मिल सके और जो हाइब्रिड्स हैं जिसको हम प्रसंस्करण के लिए तैयार कर रहे हैं उस सबसे संबंधित जानकारी हमको मिलेगी जो हमारा एक संस्थान है पुणे में DOGR। मैं संपर्क करने की प्रयास करूंगा डॉक्टर विजय महाजन जी से कि वो कृपया संक्षेप में हमको जानकारी दें और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिलने से किसान को समझने में आसानी होगी और वो समझ सकेंगे कि उनके लिए कौन कौन सी किस्में उपलब्ध हैं और उसको कैसे वो प्रसंस्करण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। डॉक्टर विजय महाजन जी आप अनम्यूट कीजिए और हमें जानकारी दीजिए। डॉक्टर विजय महाजन जी आपके नाम दिखाई दे रहा है, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। डॉक्टर सुरेश गवंडे जी अगर आप बोलना चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं। दोनों में से कोई कुछ तकनीकी समस्या हमारे सामने आ रही है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम चलते हैं, हमारा जो संस्थान है CPRI
वहाँ पे हम बात करेंगे आलू और उससे संबंधित टेक्नोलॉजी जो कि कटाई उपरांत हम लोग प्रयोग में लाते हैं। डॉक्टर पिंकी, क्या आप उनसे कनेक्ट किया जाए, डॉक्टर पिंकी से? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है मैडम? अनम्यूट कीजिए मैडम और थोड़ा संक्षेप में जानकारी दीजिए। सर, मैं CPRI से डॉक्टर पिंकी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और जो भी क्वेरीज होंगी पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड वो मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगी आपकी डिस्कशन के दौरान। जी, जल्दी से थोड़ा संक्षेप में और अधिक जानकारी दीजिए। सर, एक्चुअली हमारे यहाँ पे कुफरी में एक पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है जिसमें कि हमें जो भी फार्मर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारा एक सेल्स काउंटर भी है। उस तरह का काफ़ी नए प्रोडक्ट्स हम पोस्ट हार्वेस्ट में अभी ला रहे हैं। हमारे डॉक्टर अरविंद जायसवाल हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कई नए तरह के और बहुत ही नोवल पोटैटो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि जलेबी, गुलाब जामुन, उस टाइप के और आइटम्स हैं जो कि आएंगे, अभी देखने को मिलेंगे मार्केट में। और सर, यहाँ पे प्रोसेसिंग को लेके काफ़ी वैरायटीज रिलीज हो चुकी हैं 90s से लेके अभी तक, जिसमें से कुफरी चिप सोना और कुफरी फ्राई सोना कहीं ना कहीं प्राइम आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं प्रोसेसिंग के। और सर, गर्म एरियाज के लिए कुफरी सूर्या नाम की वैरायटी भी आ चुकी है जो कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में मतलब ट्यूबराइजेशन जिसमें हो पाती है। और सर, जो भी आपकी जिससे भी रिलेटेड क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। हमको सिर्फ ये जानना था कि आपके पास कितने टेक्निक्स हैं जिससे कि भविष्य में अगर कोई किसान हमसे पूछता है तो हम आपके संस्थान के बारे में बता सकते हैं और वो आपसे संपर्क साधेंगे और आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर पिंकी, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद प्याज में हम फिर से एक बार जुड़ना चाहेंगे DOGR से, अगर वो जुड़ सकते हैं तो, नहीं तो फिर हम अगले फसल के लिए जाएंगे। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे। DOGR के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय महाजन जी या डॉक्टर सुरेश गवांडे जी, कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ बोल दीजिए, अगर स्लाइड की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्क्रीन पे आइए और बोल दीजिए क्या क्या आप हमको हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैराइटीज़ जो हैं उसके बारे में। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करेंगे, अगली फसल जो है वो हमारी है फूल गोभी की। फूल गोभी में पेस्ट मैनेजमेंट है, खासकर IHR द्वारा विकसित नीम सीड पैलेट है, उसकी जो स्लाइड है वो कृपया दिखाइए। अब आप देख सकते हैं फूल गोभी में जो समस्या होती है डायमंड बैक मोथ की, उसके समाधान के लिए हम लोग ने अर्का नीम सीड पैलेट्स बनाए हुए हैं। इसको आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम जो इसके पाउडर पैलेट्स हैं उसको 30 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर प्रति सप्ताह के अंतराल में अगर आप इसका छिड़काव करेंगे तो इस कीट की समस्या को दूर किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये है कि ना सिर्फ ये कीट का नियंत्रण करता है बल्कि जो अवशेष होते हैं वो भी हमारी फसलों में, हमारी जो फल हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य के लिए कोई ये हानिकारक नहीं है और सीधे इसको कंज्यूम किया जा सकता है। अब इस तकनीक को अपनाकर जो किसान की जो प्रतिक्रिया है वो हम जानना चाहेंगे। कॉलीफ्लावर में फार्मर्स फीडबैक। मेरा नाम हरीश है, मैं माधापनहल्ली गांव का रहने वाला हूँ। मैंने पिछले साल आधे एकड़ में फूल गोभी की खेती की थी। इसमें मैंने रासायनिक कीटनाशक के लिए 25,000 से 30,000 रुपये का खर्चा लगा था, लेकिन इस साल मैंने IHR के संपर्क में आकर अर्का नीम सीड पैलेट तंत्रज्ञान की जानकारी ले ली और मैंने इसे मेरे खेत में अपनाया। इससे मुझे सिर्फ 9,000 रुपये का खर्च हुआ, साथ ही साथ जो मेरे खेत में उगी फूल गोभी का अच्छा रंग था और उपज भी बहुत अधिक मिला मुझे, और मेरे फूल गोभी को मार्केट में बहुत अच्छा दाम भी मिला।
देखिए आप देख सकते हैं किसान ने कितने सुंदर और स्वस्थ फूलगोभी अपने खेत में उगाया है इस तकनीक को अपनाने के बाद। अब इसी में फूलगोभी में जो प्रोसेसिंग है से संबंधित जो वीडियो है उस स्लाइड है उसको दिखाएं। फूलगोभी के प्रसंस्करण में आप देख सकते हैं कि आप इसको डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं और उसका हिमीकरण भी कर सकते हैं निर्जलीकरण करने के बाद, और बहुत सारे उत्पाद आप इसको बना के अपने व्यंजन में या अपने खाने के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मटर में जो हमारे संस्थान द्वारा विकसित किस्में हैं उसके बारे में हम आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाएंगे। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसका। संस्थान ने बहुत सारी मटर की किस्में अलग अलग क्षेत्रों के लिए और अलग अलग मौसमों के लिए तैयार किए, जिसमें अर्का संपूर्णा आप देख सकते हैं, अर्का कार्तिक जो है सिर्फ 90 दिन में तैयार हो जाती है, उसकी उपज 11 टन के, अर्का तपस जो कि थोड़े से मध्यम लंबी है और मध्यम मौसम के लिए तैयार है, उच्च तापमान में उसको उगाया जा सकता है, अर्का चैत्रा को भी थोड़े उच्च तापमान में उगाया जा सकता है, इसकी उपज जो है 60 टन प्रति हेक्टेयर है, अर्का अपूर्वा ये तो रेजिस्टेंस है हमारे रस्ट के लिए और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, अर्का प्रिया देखें इसके जो बीज होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं और मीठे भी होते हैं और ये भी रेजिस्टेंट है अर्का पाउडरी मिल्डी और रस्ट डिजीज़ के लिए, अर्का अजीत हमारी पुरानी वैरायटी है ये भी रेजिस्टेंट है जो दो मुख्य बीमारी है उसके अगेंस्ट में, अर्का प्रमोद आप देख सकते ये सारी जो वैरायटियाँ हैं ज़्यादातर पाउडरी मिल्डी और रस्ट के प्रतिरोधी हैं और उपज जो है इनकी 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आपको प्राप्त हो सकती है। अर्का प्रमोद सब जो वैरायटी है वो 70 से 90 दिन में पक्के तैयार हो जाती है, उपज क्षमता जो है उनकी 8 से 11 टन है, जो बीजों का आकार है और जो मीठे बीज होते हैं और विशेषता जो इनमें यह है कि वो रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू की प्रतिरोधी हैं। सो आप किसान इसमें से अपने लिए उपयुक्त किस्मों का चुनाव कर सकते हैं और अपने खेत में उगा सकते हैं। इसमें लगने जो समस्या है वो है पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या है, इसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं सल्फर 80 वेटेबल पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से या हेक्साकोनाजोल जो है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से आप इसको छिड़काव कीजिए। दूसरा समस्या इसमें जो कीट का है पॉट बोरर है, इसलिए आपको इसको फेरोमोन ट्रैप लगाना पड़ेगा, एक एकड़ में 12 फेरोमोन ट्रैप है। दूसरा आपको स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पर भी आपके इसके लार्वा और भ्रंग दिखाई देते हैं उसको इकट्ठा करें और उसको नष्ट कर दें। इसके अलावा जो केमिकल्स इसमें आप देख सकते हैं कि नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट वगैरह है, इसको आप प्रति हेक्टेयर में आप इसको 2 बार अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बदल बदल के आप कर सकते हैं केमिकल के साथ, और इसके अलावा नीम के जो भी उत्पाद है उसको आपको बदल बदल के करना चाहिए, एक ही रसायन को बार बार प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसको अपनाकर किसान इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गाजर। गाजर में जो कटाई उपरांत जो उत्पाद है जो हमारी तकनीक है उसके बारे में हम देखना चाहेंगे। गाजर का देखिए आप दिखाया है कि इसको कम तापमान पर 3 से 4 डिग्री 0 डिग्री तापमान पर इसको आप 3 से 4 महीने तक अपने भंडारण कर सकते हैं और इसको जब आपको आवश्यकता होगी आप इसका प्रयोग में ला सकते हैं। सो तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, किसान भाई हमसे संपर्क करें और इस तकनीक को लेकर लाभ कमा सकते हैं। कुकुम्बर में आप देखा होगा खीरा में जो समस्या है, ज़्यादातर जो फ्रूट फ्लाई की समस्या होती है उसको हम कैसे उसका समाधान करेंगे, इसके बारे में हमने एक तकनीक का विकास किया है उसके बारे में जानना चाहेंगे, जो ल्यूर बेस्ड एकीकृत कीट प्रबंधन है उसके बारे में। देखिए आप अर्का जो कद्दू वर्गीय फसलों के लिए हमने बनाया है, इसका नाम अर्का कुकुर ल्यूर दिया हुआ है, यह ट्रैप है और ये ज़्यादातर मक्खियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उसको मार देता है। इसको हमको फूल आने से पहले ही अपने खेत में इसको लगाना पड़ेगा, और इसके अलावा भी आप जो एक ट्रैप करने वाला बेट करने वाला है उसमें गुड़ है, ईस्ट है, डेल्टा मेथ्रिन वगैरह सबको मिला के जो बॉर्डर में जो क्रॉप होती हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको प्रत्येक सप्ताह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि इनकी जो संख्या है इसमें आप कमी ला सकते हैं और उससे होने वाले नुकसान को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। इसी तकनीक को हमारे एक किसान मित्र ने अपनाया है, उनसे जो हमें प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है वे उससे प्रसन्न है या नहीं इसकी जानकारी के लिए हम उनका जो वीडियो है वो देखना चाहेंगे। खीरा में फीडबैक। मैं तमारसनली बैंगलोर से मुन्यप्पा। मैंने आधे एकड़ में खीरे की खेती की है
प्रारंभ में मैं अधिक फल मक्खी क्षति का सामना करना पड़ा। IIHR फल मक्खी जाल के उपयोग करने के बाद हम फल मक्खी की समस्या को दूर कर पाए हैं। शुरू में 60 बैग फल के लिए हमें 5 बैग्स का नुकसान होता था, लेकिन अब इस तकनीक को अपनाने के बाद ये घटाकर 1 बैग का नुकसान होता है। इस तकनीक से हमें फायदा हुआ है, हमें 10,000 से 12,000 तक अधिक आय मिल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें खीरे में लगने वाली बीमारियों के संबंध में। इसलिए आपको, जैसे हमने पहले बताया, चाहे कीट प्रबंधन हो चाहे रोग नियंत्रण हो, आप कृपया स्लाइड दिखाएं। इसके लिए मैं खेत में चारों तरफ आपको जो फास्ट ग्रोइंग है फसल उगानी पड़ेगी, लाइक कि मक्का है, बाजरा हो सकता है, ज्वार हो सकता है। जो मुख्य समस्या है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू की है और डाउनी मिल्ड्यू की है। इसके लिए आपको स्प्रे कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा जो रोग है वो विभिन्न प्रकार के इसके लक्षण आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से इस ये खीरे की जो फसल है पत्तियों को और खासकर फलों को इसको नुकसान पहुँचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको एकीकृत विधि अपनानी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले बताया, आपको बॉर्डर क्रॉप उगाना पड़ेगा, मल्च अपनाना पड़ेगा और जो स्टिकी ट्रैप्स है उन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कीटों के द्वारा ही ये रोग, जो वायरस रोग है, ये फैलता है। इसके लिए विभिन्न हमारे पास केमिकल्स हैं। ध्यान ये रखें कि जो जिसके अवशेष ज़्यादा दिनों तक ना रखें, जैसे कि आप नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं या फिर आपके पास फिप्रोनिल है, ये सबको अलग अलग समय में आपको इस्तेमाल करना है। जैसे और हमेशा एक ही रसायन को बार बार इस्तेमाल ना करें, और हो जितना संभव हो सके आपको जो टॉलरेंट वैरायटी है, जो सहनशील वैरायटी है, जो उपलब्ध है बाज़ार में या विभिन्न सरकारी संस्थाओं में, वहाँ से आप इसको खरीदें और अपने खेत में लगाएं। इस प्रकार से आप जो जो इसमें खीरे में लगने वाले विभिन्न रोगों और कीटों का आप निवारण कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लौकी। लौकी में हाल ही के दिनों में हम लोग ने इसकी जो मुख्य समस्या वह है गमी स्टम ब्लाइट, उससे संबंधित हमने 3 वैरायटी का हम लोगों ने रिलीज़ किया है। जैसे कि अर्का गगन आप देख सकते हैं, इसमें उपज जो है 80 टन है और इनके आकार के हिसाब से भी आकार के जो चयन कर सकते हैं। अर्का श्रेयस है, ये भी गमी स्टम ब्लाइट की प्रतिरोधी है, उपज जो है 48 टन प्रति हेक्टेयर। अर्का नूतन थोड़ी उनके मुकाबले थोड़ी सी लंबी है और उपज क्षमता देखिए आप 46 टन है। विशेषता जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि सभी जो हैं वो गमी स्टम, जो गोदार्थी तना झुलसा जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसके, और ये एक बहुत मुख्य बीमारी है जो कि इन कद्दू वर्गीय फसलों में विशेषकर लौकी में आती है। सो ये वैरायटी जो किस्में हैं वो उपलब्ध हैं, आप इसका चयन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में हमारे संस्थान ने पाउडरी मिल्ड्यू की प्रतिरोधी किस्में निकाली हैं। अर्का अतुल्या है, इसको आप देखिए, इसका एक फल का वजन 100 से 120 ग्राम होता है, उत्पादन क्षमता भी 45 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। अर्का मोहिनी हमारी पुरानी वैरायटी है, वजन इसका 180 से 200 ग्राम और उपज क्षमता जो है अतुल्या के मुकाबले कम है, मगर फिर भी 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसको आप उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसी के जो प्रसंस्करण पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, हम कैप्सिकम का देखना चाहेंगे। श्रिंक रैपिंग आप देखिए कितने सुंदर तरीके से इसको श्रिंक रैप किया है, जिससे कि इसको हम अपने जहाँ पर किसान उगाते हैं उससे भी दूर क्षेत्रों तक इसको भेजा जा सके। इसकी तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, इसका लाइसेंसीकरण किया जा सकता है। जो भी इसको उद्यम के रूप में अपनाना चाहता है वो इसको खरीद के उद्यमी बन सकता है। इससे ना सिर्फ उसकी आयु बढ़ती है बल्कि जो परिवहन में भी हमको मदद मिलती है। सो ये श्रिंक रैपिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मिनिमल प्रोसेसिंग की भी हमारे पास तकनीक है। आप देखिए उस वो करने से आप 11 दिन तक उसका भंडारण कर सकते हैं, उसके स्वाद में और उस जो उसका ताज़ापन है वो बरकरार रहता है। इसलिए गृहिणियों को विशेषकर इससे बहुत फ़ायदा होगा और वो इस तकनीक को जो भी उद्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं वो किसान भाई या जो उद्यमी हो सामने आ सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं।
इसके बाद हम जाएंगे CTCRI, डॉक्टर सुजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. वी वुड लाइक टू नो अबाउट द प्लांटिंग मटेरियल ऑफ याम मैडम. वेलकम वेलकम टू दिस फेयर एंड दिस सेशन मैडम. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, थैंक यू वेरी मच सर, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. नाउ वेल, गोइंग बाय द टॉपिक, एक्चुअली इन याम्स देयर आर थ्री टाइप्स, white yam, greater yam and lesser yam. And first I will be saying about the conventional system of planting material production in yam. That is, in conventional system, in the case of white yam and greater yam, cut tuber pieces of size 250 to 300 grams are preferred. And in the case of lesser yam, uniform sized, medium sized whole tubers of 100 to 150 gram is the ideal planting material. Now, with regard to the planting material requirement, since the white yam and greater yam are widely spaced at 90 centimeters, it comes to 3 to 3.5 tons per hectare. And in the case of lesser yam, you can go for a closer spacing of 75 centimeters, and the planting material requirement will come to about 1.8 to 2.7 tons per hectare. So in the conventional system, the multiplication ratio comes to 1:6. That is, in the case of white yam, you will get about 2.5 to 3 kg per tuber, and in the case of greater yam, 2 to 2.5 kg per tuber, and lesser yam, it will be lot of tubers will be there, which will be about 1.25 to 1.5 kg per plant. Now, coming to the mini set technology, wherein we can rapidly produce planting materials. Now, in the case of yam, the periderm portion or the skin is very important, because the buds are placed all over the periderm or the skin portion. So even 30 gram, we can reduce the size of the planting material even up to 30 grams. But there should be a portion of the skin or the periderm. So these are raised in nursery, a sand soil mixture nursery, even in a net house, preferably with 35% shade. And within a fortnight, the mini sets will sprout and they can be transplanted to the main field at 3 to 4 leaf stage. Now, in the case of mini set, actually, we are going for the ridges and furrows, and the planting material multiplication ratio will come to about 1:24. That is, greater the planting material size, the more will be the sow size and more will be the sink size or the yield. So naturally, when the planting material size is reduced to 30 gram, you will get a lower yield. And the next year, you can go for the marketable yams or bare yams, and the yield will come to about 300 gram to less than 2 kilo, contrary to the conventional system. So that is in brief. Thank you very much, madam, for the information you have provided for the planting material in yam. We are really thankful to you from our side, and on behalf of the director, I thank you very much. Now, whatever technologies, जो भी हम लोगों ने तकनीकों के बारे में बताया या अपने किस्मों के बारे में बताया, उसका अब हम जो सीधा प्रसारण करेंगे, जो प्रदर्शनी में हम जितनी भी किस्में उगा रहे हैं, उन उसको बताने के लिए मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ सब्जी फसल विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर माधवी रेड्डी मैडम. मैडम, कृपया जो हमारे किसानों के लिए बताइए कि हमारी जो अभी नई किस्में हम लोग इस समय हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, और उसको कैसे, उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, और इसको उगा कर किसान क्या लाभ कमा सकते हैं. नाउ वी विल गो फॉर द स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द वेराइटीज for the vegetables, of the vegetables from the demonstration plot. Thank you, Dr. Anil. Good morning, all. This year, vegetable crops, we have raised 105 varieties of vegetables we have demonstrated this year for the benefit of the farmers. In this, the recent technologies I would like to highlight. The first one is Arca Siri, that is a muskmelon variety. Do they show it? Please, live started. Arca Siri, it is a muskmelon variety, cantaloupe type, cream color, rind, it has a netting on the rind, and deep orange flesh. TSS is very high TSS, and it yields around 12 tons per acre. This is one of our new varieties which released from our division. Next, please. Arca Shyama, this is an ice box type watermelon variety which we released this year. Here the fruit is around 3 to 3.0 kg, and it's suitable for a small family. And it's having very dark rind
and deep red color flesh. Seed content is less and TSS is very good and yield is around 20 tons per acre. Next, this please. We have demonstrated for the farmers. Next. This is a crop you can see in the field. The next is bottle gourd variety, Arka Ganga. It is an FN hybrid. Here the fruits are cylindrical, green, and this is resistant to gummy stem blight, which is very serious nowadays. Growing bottle gourd, it is hampering. This is a hybrid which released very recently, and which we are demonstrating it in the field right now. Arka Vikram, it's a ridge gourd FN hybrid, which we developed from our institute. The fruits are green, slender, long, and the cooking quality is very good, and it is nutritionally rich. And this is a hybrid which we are harvesting around 20 tons per acre. This is a new FN hybrid of ridge gourd, what we have developed from our institute, and we are demonstrating for the farmers' sake in the field. And this is well accepted by Andhra Pradesh and Karnataka farmers. Already farmers started growing this. Next, please. Arka Harshita, it's a brinjal variety, green, long type, bears in clusters, high yielding variety, which is having resistance to bacterial wilt. It yields around 15 to 18 tons per acre. Recently, it is identified at the national level, and this we have grown for the farmers' sake for this fair in the field. Next. Tomato hybrid Arka Apeksha, recently we developed from processing, both for fresh market as well as processing. This variety has resistance to leaf curl virus, bacterial wilt, and early blight. It yields around 32 to 35 tons per acre. Color development is excellent. Many farmers have taken the seed and they are growing and they are happy with its performance. This is a new hybrid which is suitable both for fresh market as well as processing. Next. Arka Abed, another hybrid we developed from our institute. This has resistance to leaf curl, bacterial wilt, early blight as well as late blight. Fruits are round. This is also heavy yielding. Actually, this year we got unexpected rains in southern parts of India. There it stood very well with this resistance to leaf curl, late blight. Due to late blight, majority of the varieties have succumbed to this disease, but our hybrid was standing very good. This is well accepted in Andhra Pradesh and Karnataka. This yields around 30 to 35 tons per acre. Next, please. Arka Tanvi, this year very recently we developed chili leaf curl virus resistant hybrids. In that, Arka Tanvi is one which is for dual purpose, both for green as well as red chili market. This having good resistance to chili leaf curl virus, and it yields around 3 to 3.5 tons dry yield per acre and 10 tons green chili per acre. It's medium pungent and color development is good. Fruits are around 8 to 10 centimeters and width is around 1 centimeter. Next, please. Another hybrid is Arka Tejashvi. This is also having good resistance to chili leaf curl virus. Apart from that, it also has good tolerance to powdery mildew. This is for dry chili purpose we have developed. Here the fruits are around 8 centimeters long and 1.2 centimeters wide, medium wrinkled, and yields around 3 to 3.5 tons dry chili per acre and highly pungent, and color development is also excellent. Next, please. Arka Mangala, this is a cowpea yard long bean variety, pole type. Here the fruit length is around 80 centimeters long, green in color, very tender pods. This is well accepted in Kerala and western parts of the country. And it yields around 15 to 18 tons per acre, which we are demonstrating live in our demonstration plot. Next, please.
yield potential you can see, and very well accepted. This is another variety, Dolichos bean, pole type. It is photo insensitive. Arka Prasiddhi. Pods are dark green. You can see the yield potential. And this is having good tolerance to rust disease. This being well accepted in Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and Tamil Nadu. Yield potential you can see, excellent yield. Thank you very much, thank madam. Thank you. जैसे कि मैडम ने दिखाया कि हमारे जो प्रदर्शनी क्षेत्र में जितनी भी हमने किस्में उगाई हैं, खासकर जो हाल में ही विमोचन जिनका हुआ उसके बारे में जानकारी दी, आपने देखा कि खरबूजे तरबूजे में जो अर्कासिरी और अर्कश्यामा है इसको किसान अपना चुके हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी हमें मिल चुकी है, चर्चा के दौरान हमने सुना भी था। लौकी में जो डिजीज़ है गमी स्टम्प ब्लाइट उससे संबंधित अर्का गंगा, रिच गॉड में हाई जो संकर है अर्का विकास, बैंगन में अर्का हर्षिता, टमाटो में प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त होने वाली अर्का अपेक्षा, अर्का अभेद, इसको आप प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली की जो किस्में हैं तन्वी और तेजस्वी, दोनों हरी और सूखे उपज के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। यार्ड लॉन्ग बीन जो है उसमें अर्का मंगला काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है, और जो सेम की है किस्म है अर्का प्रसिद्धि, इसको भी आप उगा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस कोरोना महामारी के कारण हमें आपको वर्चुअल माध्यम से दिखाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, अन्यथा आप यहाँ पे आ सकते थे किसान भाई और प्रत्यक्ष रूप से हमारे खेत में देख सकते थे कि इसकी क्या क्वालिटी है और किस तरीके से इसके फल और जो विशेषता है वो प्रत्यक्ष रूप से इसको देख सकते थे। हमने पूरा प्रयास किया है आपको दिखाने का अपने वर्चुअल माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगी और आप इसका भविष्य में उपयोग करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम पुष्पों की। पुष्पों का भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहेंगे, इसके लिए मेरा यहाँ पे सहयोग करेंगे मेरे सहयोगी और मित्र डॉक्टर राजीव कुमार जी। अब हम जाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, विशेषकर शोभाकारी और औषधीय फसलों के लिए। लाइव स्ट्रीमिंग प्लीज। ये गुलाब की अर्का सभी किस्म है जो कि लूज फ्लावर खुले हुए फूलों के लिए इस्तेमाल की जाती है। गुलाबी रंग के फूल होते हैं और इसकी उपज बहुत अच्छी है, 30 टन प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई इसको फ़ायदा उठा रहे हैं। इसकी निदानी आयु बहुत अच्छी है, 5 से 6 दिन तक इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट बोलते रहिए तब तक दूसरा है। अर्का सभी को बहुत सारे फार्मर ने इनका लाइसेंस लिया है और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितना फैलावदार है। ये दूसरी वैरायटी है अर्का आइवरी, ये दो तरीके की वैरायटी है। इसको पॉली हाउस में भी उगाते हैं और ओपन में भी उगाया जाता है। ये पॉली हाउस में इसकी जो उपज आती है 200 फूल प्रति मीटर स्क्वायर में आती है, जबकि इसको ओपन में लगाने से 400 फूल प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर में इसको प्राप्त किया जा सकता है। और ये किसानों में बहुत प्रचलित किस्म है, क्योंकि गुलाब में आपने देखा होगा कि अलग अलग किस्म की किस्में किसान भाई उगाते हैं और अलग अलग रंग की हैं। देखिए वो एक पहली गुलाबी थी, अब ये थोड़ा क्रीम कलर की वैरायटी है। नेक्स्ट। ये अभी हाल ही में एक जरबेरा में एक किस्म विकसित की गई है, उसका नाम है अर्का रेड। जनरली आपने देखा होगा पॉली हाउस में ही जरबेरा उगाया जाता है, लेकिन ये किस्म ओपन में ही बहुत खुले में ही बहुत अच्छी उपज देती है। आप देखिए इसकी उपज जो है 40 फूल प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर में मिल सकती है, और ये 3 से 4 साल तक इसको लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी जो है येलो कलर की अर्का कृषिका, इसका स्टॉक लेंथ 35 से 40 सेंटीमीटर होता है, ये भी 36 से 40 फूल देती है। एक बार लगाने से 3 साल तक किसान भाई अच्छी उपज ले सकते हैं। इसको कट फ्लावर में भी और सजावट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट फसल है, यहाँ दक्षिण भारत में किसान भाई वृहद इसके क्षेत्र में इसको उगाते हैं, इसको आबोली बोलते हैं। इसको माला बनाने में, वेनी बनाने में यूज़ किया जाता है। इसकी कीमत 1000 से 1500 रुपये प्रति किलो होती है। और पहली वैरायटी जैसे आपने देखा कि अर्का चन्ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसकी बहुत डिमांड है, और किसान भाई हमारे यहाँ से इसका रोपण सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
अर्का श्राव्या ये एक स्प्रेडिंग जो फैलावदार वाली वैरायटी है और इसको गार्डन में पॉट के लिए उत्तम मानी गई है। आप देख सकते हैं इसकी जो शाखाएं हैं वो फैलावदार हैं और ये इसका जो फूल होता है वो नारंगी रंग का होता है और जो लोकल किसान भाई उगाते हैं उससे ये बेहतर है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। अर्का श्रिया वैरायटी ये किसान भाइयों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसके जो फूल हैं वो बहुत ही दृढ़ होते हैं और इनको निकालने में बहुत आसानी होती है। किसान भाई इसको आसानी से उगा सकते हैं और इसका जो प्रवर्धन होता है वो कटिंग से होता है। तो किसान भाई हमारे यहाँ से बहुत कई हेक्टेयर्स के लिए 20,000-40,000 इसकी कटिंग हमारे यहाँ से ले जा चुके हैं और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक के फार्मर इससे लाभ उठा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये ग्लैडोलस हमारे नॉर्थ में उत्तर प्रदेश में खास तौर से आपने देखा होगा ये और पहाड़ी इलाकों में ये वृहद रूप से उगाई जाती है। ये एक किस्म जो आपको इस समय दिख रही है इसका नाम है अर्का अमर। ये फ्यूजेरियम विल्ट से रेजिस्टेंस है। आपको पता है ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है 60-80% तक डैमेज होता है तो इसमें प्रतिरोधी क्षमता है और इसमें दो स्पाइक मिलती हैं एक पौधे से जबकि बाकी किस्मों में एक ही मिलती है और इसमें 2-4 आपको कंद भी मिलते हैं जो कि प्लांटिंग मटीरियल है। नेक्स्ट 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 प्लीज़। ये एक हाल ही में रिलीज़ एक वैरायटी है हमारे संस्थान से रिलीज़ हुई है इसका नाम है अर्का आयुष। नाम से ही आप समझ सकते हैं इसको इसमें भी फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेंस है और इसमें 5-6 फ्लावर एक साथ खिलते हैं जो कि इसको कट फ्लावर बनाने के लिए हकदार है। तो और इसमें भी आप देखेंगे 2-3 स्पाइक आती हैं और कम से कम 2 कंद आते हैं जो कि एक उत्तम वैरायटी के लक्षण हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट अर्का केसर एक हमारी पुरानी वैरायटी है। इसका जो कलर है वो केसरिया रंग का है और ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट से ऑल इंडिया लेवल पे रिलीज हो चुकी है और इसका हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं इसको और किसानों को दे रहे हैं। इसमें भी मध्यम फ्यूजेरियम विल्ट के लिए रेजिस्टेंस है तो अगर किसान भाई इन किस्मों को उगाते हैं तो उनको नॉर्मल वैरायटी से ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं जो फसल है अर्का पूर्णिमा ये है चाइना एस्टर की। ये साल भर बंगलौर में साल भर उगाते हैं और ये देखें सफ़ेद रंग का जो है पाउडर पॉप टाइप के फ्लावर ये बहुत किसानों में प्रचलित है और हम इसका सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फार्मर हमारे यहाँ से ख़रीदते हैं। आप भी खरीद सकते हैं इसका सीड। और नेक्स्ट वैरायटी ये एक है अर्का शशांक जो कि पोमपोन टाइप की वैरायटी है और ये कट फ्लावर के पूर्णिमा और ये शशांक दोनों ही कट फ्लावर के लिए इस्तेमाल होती हैं और इसको आप लूज फ्लावर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। पर एकड़ में आपको 6-7 टन उपज मिल जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा ये मैरीगोल्ड के जो पॉट प्लांट हैं हमारे यहाँ से जो किस्म डेवलप हुई है उसका नाम है अर्का परी। उसके यहाँ पे पॉट प्लांट हैं उसी के लिए ये रिकमेंड की गई है वैरायटी। नेक्स्ट नेक्स्ट अर्का धन्वंतरी ये जो आप देख रहे हैं ये औषधीय फसल है। अर्का धन्वंतरी इसका जो विथेनोलाइट कंटेंट होता है इसमें 0.58% होता है और किसानों में बहुत प्रचलित है ये। सेंटेनला नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट ये सेंटेनला है वैरायटी। इसको मेमोरी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो ड्राई मास का यील्ड होता है वो 2.3 मीट्रिक टन होता है और इसमें एशियाटिकोसाइड जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है 2-3% होती है जो कि नॉर्मल जो सेंटेला उगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। थैंक यू डॉक्टर राजीव, आपने जो विस्तृत जानकारी दी हमारे पुष्पों में और औषधीय फसलों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बात करेंगे हल्दी। हल्दी से संबंधित जो किस्में हैं उसका एक स्लाइड है उसको संक्षेप में बताना चाहेंगे। हल्दी की बहुत सारी किस्में हैं जो कि हमारे संस्थान
क्यों नहीं, बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च से तैयार की गई हैं। वो आप देख सकते हैं कि उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। लगभग 30 किस्में उन्होंने तैयार की हैं, जिसमें कि अधिक मात्रा में क्यूक्यूमिन पाया जाता है और ये जो रोग होता है पत्ती धब्बा, उसके प्रति थोड़े से टॉलरेंट होते हैं। और कुछ जो अरकब इनकी जो वैरायटी है प्रगति है, उसको छोटी अवधि की है, उपज उसकी ज़्यादा होती है और जो क्यूक्यूमिन कंटेंट है वो 5% तक पाया जाता है। और दक्षिणी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश में इसकी खेती की जा रही है और उसके लिए उपयुक्त पाई गई है। उसके विभिन्न जो किस्में हैं उसके बारे में उन्होंने हमको जानकारी प्रदान की है। ये आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें मौजूद रहेगा कि या तो फेसबुक के माध्यम से या जो हमारे यूट्यूब के माध्यम में ये जानकारी आपके पास बनी रहेगी। जो किसान इन किस्मों को उनके लक्षण के आधार पर, उनके कैरेक्टर के आधार पर चयन करना चाहते हैं वो चयन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च फॉर प्रोवाइडिंग दिस वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे फिर से लाइव स्ट्रीमिंग में, जिस जो कि फसल संरक्षण विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा रेड्डी जी हमारे साथ हैं। हम इस दौरान इस मेले में हम उनकी 5 तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बारे में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम द्वारा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। डॉक्टर कृष्णा रेड्डी, प्लीज एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी सर, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ crop protection technologies. From the crop protection division, we have 5 important technologies in the insect and pest disease management. The number one is the tuta management in tomato. Mic video. Close. Video. Yeah, it will be. You speak, sir. It will be. And we have, see, everybody knows the farmers, especially Kishan Bio, ek kide aur bimari ka बहुत नुकसान हो रहा है आजकल सब्जी में। इसी की वजह से हमारा पहले टेक्निक है कि टूटा का, ये अमेरिकन टोमेटो मात है जो है, ये बहुत फैलता है भी, टोमेटो जिस जगह पर है। इसमें 3 तरीका इसको रुकने के लिए, एक तो पहले ये है कि ये सक्शन कम लाइट ट्रैप, इसका लाइट से वजह से वो अट्रैक्ट होके आता है, जो फैन रहता है वो घूमने से वो नीचे खींच लेता है इंसेक्ट को, वो नीचे पर रखता है। वो दूसरा है कि हमारा फेरोमोन ट्रैप, ये जो फेरोमोन ट्रैप जो दिखा रहे हैं ना आपको ब्लू कलर का वाला, ये ग्रीन वाला, इसमें फेरोमोन रहता है, इसलिए मेल इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होके इधर फील्ड में रहता है, इसको भी कम होता है। तीसरा है कि वो एग पैरासाइट ट्राइकोकार्ड बोलते हैं, ये ट्राइकोकार्ड्स वो फील्ड में जगह पर और 5 से 20 कार्ड्स रखना है, इसका वजह से भी ये जो भी कीड़े छोटा पैदा होता है उसको खा लेता है, इसलिए इसके वजह से भी हमारा कीड़े कम हो जाता है। ये 3 महीने और छोड़ के, और अगर कीड़े ज़्यादा होने से औषधि स्प्रे करना, इसमें एक है कि इंडॉक्सिकार्ब 1 ml और डेल्टा मेथ्रिन 1 ml, इसी कोई भी औषधि यूज़ करके इसको कम कर सकते हैं, वो 2-3 स्प्रे करने से ठीक है। नेक्स्ट चिली। अभी जो मिर्ची में बीमारी है वो विषाणु वायरस का है, बहुत नुकसान करता है हर जगह पर जो मिर्ची लगाता है उसमें। पहले एक है कि ये बॉर्डर क्रॉप लगाना, मक्की और जोवर 2 लाइन, उसके बाद मल्च शीट जो दिख रहा है ना वो सिल्वर कल मल्च शीट बीच में रखना है, इसी की वजह से इंसेक्ट वेक्टर्स जो है कीड़े होते जो प्राप्त होता है वो कम हो जाता है। और तीसरा है कि इसमें स्टिकी ट्रैप्स लगाना है, येलो का और ब्लू कलर का स्टिकी ट्रैप्स लगाने से जो भी ये है रस पीने वाला या कीड़े है वो सब वो चिपक लेता है, इसलिए वो कम होने का प्राप्त है। और तीसरा है कि इसके औषधि स्प्रे करना, औषधि प्लांटिंग 10 दिन के बाद से शुरू करके हर हफ्ता में एक औषधि बदल के करना है, एक पहले एसीफेट, उसके बाद फिप्रेनिल, उसके बाद स्पेनेटोरम, उसके बाद इमिडाक्लोरपिड, ऐसा 5 से 7 6 स्प्रे कर देना, उसके बाद जब फ्रूट आ गया, फल और फ्रूट आने से उसके बाद स्प्रे नहीं करना है। इसके बाद थोड़ा ताकत देने के लिए सीवीड एक्स्ट्रैक्ट बोल के 2 ml पर सागरिका बोल के एक है, और दूसरा हमारा वेजिटेबल्स का वेजिटेबल स्पेशल है, ये दोनों स्प्रे कर सकते हैं, वो 30 दिन में 40 दिन में
17 दिन में 3 स्प्रे करने से ठीक हो जाएगा। इसी की वजह से सारा कम हो सकता है, आपका दोगुनी बढ़ता है यील्ड भी। नेक्स्ट हमारा तीसरा है कि ये टेक्नोलॉजी है, ये नीम बीज से बनाए पाउडर से पैलेट बनाते हैं, इसका वजह से ये कैबेज और कॉलीफ्लावर को जो डायमंड बाग मात बोलते हैं वो बहुत नुकसान करता है। इसको चिपकाने से 7 से 8 स्प्रे करने से 10-15-20 दिन के बाद से शुरू करके 7 से 8 स्प्रे करने से ये कीड़े बहुत कम हो जाता है। ये फसल भी बहुत सेफ रहता है क्योंकि अपना रासायनिक दवाई नहीं चिपकाने से ये अच्छा होता है, खाने के लिए भी बहुत सुविधा मिलता है। नेक्स्ट हमारा चौथा वाला है कि लूर बेस्ड फ्रूट फ्लाई मैनेजमेंट। ये जो है कि अभी जितना भी कीड़े वगैरह सब्जी में, ये कीड़े जो फल में आके हुए फ्रूट आके बहुत खा लेता है, बहुत नुकसान होता रहता है। इसके लिए हमारा तकनीक है पहले वाटर क्रॉप, उसके बाद लूर बेस्ड ट्रैप लगाना है। इसका वजह से वो इंसेक्ट्स इसको अट्रैक्ट करके उसमें मर जाता है। तीसरा है कि जागरी और डेल्टा मेथ्रिन 2 ml पर मिक्स करके ये स्प्रे करना, वो बॉर्डर क्रॉप में और नीचे क्रॉप में स्प्रे करने से कम हो जाता है। इसी का वजह से भी ये फ्रूट फ्लाई का कम कर सकते हैं। नेक्स्ट और हमारा पांचवा टेक्निक है कि ये टमाटर पर ऑर्गेनिक मैनेजमेंट। इसका है पहले वाटर क्रॉप मेज लगाना, 2 साल मेज या मक्की और जोवर। दूसरा है कि येल्लो और ग्रीन ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाना और मल्चिंग इसमें जो है हम ऑर्गेनिकली मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए कि जो भी क्रॉप का आपका वेस्ट है वो सब स्ट्रा ये सब मल्च कर सकते हैं बीच में। ये इसी वजह से ये वीड्स भी नहीं होगा और क्रॉप को प्रोटेक्शन होता है। तीसरा है कि ये स्प्रे करना है, हमारा माइक्रोबियल कंसर्शियम है, अर्का माइक्रोबियल कंसर्शियम एक है और वेस्ट डिकम्पोजर एक है, और ये दोनों हर वीक में स्प्रे करने से फल और फ्रूट आने तक, फूल और फ्रूट आने तक स्प्रे करना है। और तीसरा है कि अगर बीमारी लगने है तो ये सुखाने वाला एक बीमारी फाइटोप्थेरा बीमारी आता है, अगर मौसम थोड़ा रेनी है और क्लाउडी होने से उस टाइम पर बोर्डो मिक्सर 1% और ये नीम बेस्ड ये जो भी पेस्टिसाइड स्प्रे करने से इसको हल कम कर सकते हैं। और इसका 4 तरीका करके अभी हमारा संस्थान में एक रेजिस्टेंट वैरायटी भी डेवलप किया, अर्का अबेद बोल के। ये अभी जो देख रहे हैं वो सब ये अर्का अबेद हाइब्रिड है, ये फाइटोप्थेरा ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है, इसी से भी बहुत फायदा होता है। औषधि स्प्रे करना भी बहुत कम लगता है, इसका बहुत फायदा है, यील्ड भी ज़्यादा मिलता है। थैंक यू डॉक्टर कृष्ण रेड्डी जी, उन्होंने टमाटर से संबंधित 2 और पत्ता गोभी फूल गोभी में 1, मिर्च में 1 और कद्दू वर्गीय फसलों में किस तरीके से फसल पौध संरक्षण किया जाए इसके बारे में बताया। ये सारी जो तकनीकें हैं ये इसमें बहुत ही कम रसायनों का उपयोग किया गया है, और इसके सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर कृष्णा रेड्डी जी। इसके बाद हम बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन विभाग के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रघुपति जी, वो उनकी 3 प्रौद्योगिकी है, अर्का वेजिटेबल स्पेशल, AMC टमाटो में और सॉयललेस कल्चर। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय थोड़ा हमारे पास कम है, जल्दी से टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताएँ। इन डिविजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस वी हैव दिस ईयर 3 टेक्नोलॉजीज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। First is that please go to Arka Vegetable Special. Arka Vegetable Special in cabbage. Okay, this is the vegetable special, Arka Vegetable Special. This is a mixture of all essential micronutrients for specially designed for vegetable crops, and this is given in 3 different doses. That is, for a short duration vegetable crops, it is given at 3 grams per liter, and 25 days after transplanting, and 1 spray should be good enough.
whereas in long duration crops, which is more than 100 days, 5 grams per liter is the dose, and at the time of flowering, thereafter it can be given at a monthly intervals. In case of leguminous crops, 3 grams per liter is given 25 days after sowing and then monthly intervals. Whereas in case of cucurbits, 2 grams per liter after sowing is and then monthly interval is good. This is a combination of all essential micronutrients. The response is very good, and you can see the overwhelming response because of this vegetable spray special. And we expect a yield increase from 15% to 20% because of this vegetable special. And one should be noting that this is specially designed for only for foliar application and not for soil application. And also, we should take a precaution that it is not mixed with any pesticides or insecticide while we are using vegetable special. Next, please, sir. Next, little faster. Okay. Then, this is ARCA microbial consumption. This is a consumption of 3 beneficial microorganisms, that is Azotobacter, then Bacillus and Pseudomonas. It has got a capacity for N fixation and phosphorus and zinc solubilization and potassium mobilization. This, you can expect an yield increase by nearly 25% and around 10% to 15%, and we can save the nitrogen and phosphorus application by around 20% to 25%. And it is applied at a rate of 5 kg. AMC is mixed with 500 kg FIM and is applied near root zone. And this is suitable for application either through soil or for foliar application or through liquid form also. And we can use this material through drip irrigation also at a rate of 5 ml per liter. It requires nearly 3 liters per 1 acre. And you can see in case of tomato, a very good response because of application of AMC. Next, please. Next. And then we have gone one important aspect. This one is a soilless cultivation of vegetable crops. This is basically make use of ARCA fermented cocoa pit. For cocoa pit is a byproduct of the coir industry, and we can make use of this fermented cocoa pit for soilless cultivation. Here, the soilless cultivation is practiced on the terrace or since the material is very light, it is suitable for terrace gardening also. And usually, the cocoa pit takes nearly 150 days for decomposition. But by using ARCA decomposer, the cocoa pit are decomposed within 30 days and may use as a substrate for growing vegetables. You can see here nearly 12 indigenous as well as exotic vegetables are grown very successfully using this ARCA fermented cocoa pit in grow bags. And okay, this is actually suitable for urban as well as semi-urban garden planting. Thank you very much, Dr. Raghupati. आपने जो अर्का vegetable special AMC tomato में और soilless culture के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं basic science मूलभूत विज्ञान के जो हमारे सहयोगी मित्र हैं डॉक्टर लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि वो टमाटो ग्राफ्टिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें. लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ टमाटो ग्राफ्टिंग, इसके बाद आपको मशीनरीज के बारे में जानकारी दी जाएगी. दिस इज द ARCA interspecific tomato graftase technology. Here the graft is made of tomato and brinjal interspecific. The ARCA Neelkant brinjal graft, the rootstocks enhance the tolerance for up to 6 days water stagnation under heavy rainfall condition. And the plants which are not grafted, they will be wilting within 24 hours. जैसे कि आपने देखा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो जड़ है वो हमारे बैंगन की है, उसके ऊपर हमने टमाटर की जो सायन को लगाया है. अगर जब ज़्यादा जल भराव की समस्या होती है, पानी ज़्यादा दिन रुकता है, तो कम से कम 6 दिन तक इस तकनीक के द्वारा हम अपने टमाटर की फसल को बचा सकते हैं. अन्यथा की स्थिति में 24 घंटे के अंदर ही पूरे फसल को नुकसान हो जाती है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. देन इसके बाद हम बात करेंगे मशीनरीज के बारे में. मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर सेंथिल कुमारन जी से कि वो कृपया आए और जल्दी से जल्दी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग द्वारा विकसित मशीनरीज के बारे में जानकारी दें, बहुत ही संक्षेप में. हेलो, मशीनरी ऑनियन सीडर प्लीज. हम अभी देख रहे हैं, ये ARCA ऑनियन सीडर है, मतलब प्याज का बीज खेती में डालने के मशीन है, एक मैनुअली ऑपरेटेड है. नेक्स्ट ये है प्याज का वो लीफ कटने का कट करने का मशीन है.
ये एक घंटे के लिए एक टन कैपेसिटी है। नेक्स्ट, ये है फल और सब्जी का भेजने के लिए कूलिंग सिस्टम डाल के ये वैन बनाया हमने, एक सिटी और अपार्टमेंट को लेके आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये छोटा वर्शन है, ये अपने सोलार पावर से आप ये ट्राईसाइकिल है, पेडल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मोटर में चलता है, सेम है आपका सब्जी और फल भेजने के लिए ये ट्राईसाइकिल है। नेक्स्ट, ये आम और बनाना का राइपनिंग करने के लिए ये चेंबर है, इसके लो कॉस्ट है, इसमें अंदर रख के आप राइपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुंभ का अंदर मशरूम उगाने के लिए एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप मशरूम का बैग रख सकते हैं, 80 बैग्स रख सकते हैं, कहीं आप टेरेस में रख के आप कुंभ का कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये है आपको फल हार्वेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए जो छोटा सा टूल है, आम के लिए है और सपोटा के लिए है और नींबू के लिए है, तीनों आपको ये तोड़ने के लिए एक टूल है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये है जैक फ्रूट का वो ये स्किन निकलने वाले के लिए मशीन है, एक कच्चा जैक फ्रूट के लिए। नेक्स्ट 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 प्लीज, ये पोमग्रेट अमृत का ये बीज निकालने के लिए मशीन है, ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट, प्याज का ये कट करने के लिए एक अलग से वो छोटा सा आप देख रहे हैं, ये सारे मशीनरी आप लाइसेंस लेके फैब्रिकेट करके बेच सकते हैं, नहीं तो अपना डायरेक्टर को कांटेक्ट कर लीजिए, इसको लाइसेंस लेके भी आप सेल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सेंथिल कुमार जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी दी हमको। इसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर पी वी आर रेड्डी जी को, जो कि पॉली हाउस में खरबूजा, तुरई और सूत्रकृमि नियंत्रण के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर पी वी आर रेड्डी जी, लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए पॉलिनेशन इन मस्कमिलन। गुड मॉर्निंग किसान भाइयों, अभी नाउ वेजिटेबल कल्टीवेशन इन पॉली हाउस इज बिकमिंग पॉपुलर। वेजिटेबल व्हेन वी ग्रो इन पॉली हाउस देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ पॉलिनेशन, बिकॉज पॉली हाउस मीन्स इंसेक्ट्स विल नॉट बी देयर, एस्पेशली व्हेन वी ग्रो कुकुरबिटेसियस वेजिटेबल्स लाइक मस्कमिलन, रिज गार्ड एंड ऑल विच नीड हनी बीज फॉर पॉलिनेशन। सो इनसाइड पॉलिनेशन so far there are no technology for using honeybees. Now our IHR institute has developed a technology for using our native species of honeybees. With this we were able to avoid hand pollination and we can successfully grow muskmelon. What you are seeing is the Arka Siri variety of IHR, which is grown under polyhouse condition by using our native honeybees. With this honeybee pollination we will get a good quality yield and uniform size fruits, and there is no need for hand pollination, which is a time consuming. Now the next crop what you will see is the, you are seeing the nematode management in poly house. There nematode is a serious problem for having in under poly house conditions. Our institute developed one integrated management where crop rotation is also one of the components. Here you are seeing the marigold has a this anti nematicidal properties it is having. When you grow marigold after main crop, after capsicum or anything, it you can manage. And another is the velvet bean or mukuna, which is also helps in avoiding this nematodes. So this crop rotation is a one of the components of integrated nematode management. And after 45 days this mukuna can be plowed back into soil. This marigold, it will help in managing nematodes also, and farmer will get additional income from this marigold variety. So this is Arka Pari developed by our IHR. Thank you. This is another ridge guard grown in poly house using honeybees. Here we have used the stingless honeybees, and we could grow this Arka
Prasanna and Arka Vikram varieties of IHR under polyos with honeybee and stingless bee pollination. So here also we have not done any hand pollination and successfully we have grown with this technology. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर पी वी रेड्डी जी. आपने देखा कि पॉलीहाउस के अंदर कैसे मधुमक्खियों का प्रयोग कर हम लोग खरबूजे में और तुरई में जो परागण की समस्या है उसको दूर कर सकते हैं. किसान इसको अपना कर ज़्यादा से ज़्यादा उपज भी प्राप्त कर सकते हैं और जो हमारे उपज होगी वो कीटों और बीमारियों से मुक्त होगी क्योंकि इसको हम पॉलीहाउस में उगा रहे हैं. इसी प्रकार से गेंदे की फसल को कैसे हम अपने पॉलीहाउस में उगाएं जिससे कि निमेटोड की जो प्रॉब्लम है वो दूर की जा सकती है. इन तीन तकनीकों के बारे में जानकारी दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ. इसके बाद मैं जो इस के साथ ही हम लोग ने जो हमारा जो तकनीकी सत्र था इसमें हमने विशेषकर फलों सब्जियों और फूलों से संबंधित जानकारी आप लोगों को प्राप्त की थी. अब मैं जो उसका आखिरी है उस जो चरण है उसमें हम पहुंच चुके हैं. मैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बी के पांडे जी जो कि एडीजी हैं हमारे आईसीआर हेडक्वार्टर में. मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो हमारा जो सेशन था उसके संबंध में कृपया अपने रिमार्क्स दें. इज नॉट देयर. देन हमारे अगले पैनलिस्ट हैं हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर एम आर दिनेश जी. मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आज का जो तकनीकी सत्र रहा है इसके बारे में अपने विचार दें. I think the session, as I am told, has been very, very successful, especially right from all the states, including Jammu, into this particular session. I am hopeful that our panelists have been able to solve many of the issues that were raised by the farmers. I wish and hope that all these states, what we want is the farmers should become entrepreneurs. In that regard, actually, what they have to do is, we have a system called Institute Technology Management Unit. आप हमें संपर्क करें, जो हमने इधर मोबाइल नंबर और हमारा वेबसाइट जो भी है आप इसमें लॉग इन करके आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो टेक्नोलॉजीज हमने आज तक अभिवृद्धि किया है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं. और जो भी चाहिए आपको, हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर है वो बेस्ट हार्ट करके हम बोलते हैं, जो DST फंडेड प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम कर रहे हैं आपकी इंक्यूबेशन. इस इंक्यूबेशन में हमने हैंड होल्डिंग 6 महीने तक आपका कर सकते हैं, जो ऑन साइट में हो या ऑफ साइट में हो, जो भी जिसको भी हम आप चाहेंगे उसी टाइप में हम कर सकते हैं. हमारा टेक्नोलॉजी लिस्ट भी हमारा वेबसाइट में है, आप हमें संपर्क करिए और कोशिश करिए कैसे हम सब मिलकर बागवानी को एंटरप्राइज बनाएं. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद निदेशक महोदय, आपने जो जानकारी दी हमारे संस्थान में जो भी हम सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कृषक इसका जरूर फायदा उठाएंगे, विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र और संबंधित अटारी जो हैं. इसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर राजबीर सिंह जो कि डायरेक्टर हैं ICR अटारी जोन 1. डॉक्टर बी के पांडे जी भी जुड़े हैं. सो पहले डॉक्टर बी के पांडे जी कृपया अपने रिमार्क्स हमें बंद. इसलिए कि मैं साथ ही साथ दो मीटिंग और ज्वाइन किया हूं तो बीच में छोड़ के प्रीति जी ने फोन किया तो मैंने कहा पहले ज्वाइन कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं. सभी लोगों को नमस्कार. पूरे देश के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र अटारी, हमारे हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, फार्मर्स जितने भी जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे. और सुबह से ही मैं ये कार्यक्रम देख रहा था. मैं बधाई देना चाहूंगा निदेशक भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बैंगलोर डॉक्टर दिनेश को कि इतना बढ़िया कार्यक्रम मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि हर तकनीक के बारे में पहले जानकारी दी जाती है, उसके बाद फार्मर्स का एक व्यू लिया जाता है कि उन्होंने उसके बारे में क्या सोचा और क्या देखा. इससे ऐसा लगता है कि हमारे जो पूरे देश में जो किसान है वो इसका लाभ उठाएंगे और बहुत लाभान्वित होंगे इससे.
एक बात मैं केवल निवेदन करना चाहूंगा कि जो अचार की जितनी भी हमारी अभी प्रजातियों के बारे में आपने बताया जो कि फलों के या सब्जियों की है, एक एक सूचना और उनके साथ अगर जोड़ दी जाए कि किन किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है ये प्रजातियां, तो शायद हमारे किसान उससे ज्यादा लाभान्वित होंगे। इसलिए कि कुछ ऐसे क्षेत्र से किसान हमारे जुड़े हुए हैं जो कि वो देखेंगे कि ये बहुत अच्छी प्रजाति है और अपने क्षेत्र में लगाएंगे तो शायद उस तरह का उनको फायदा या उस तरह की आसातीत उससे लाभ ना मिल पाए, तो एक थोड़ी जानकारी देंगे। दूसरा, मैं खासकर अपने जितने भी आईसीआर के संस्थान है या जो हमारे एक्सपर्ट जो जुड़े हुए हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा। वैसे आईसीआर बैंगलोर ने बहुत सारी प्रजातियां निकाली हैं जो कि रोगरोधी हैं और कीटों बीमारियों से काफी बचाव करती हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनके ऊपर कीट और बीमारियां लगती हैं। तो कुछ ऐसे जो कीटनाशक और फफूंदी नाशक है जो कि अभी बैंड कैटेगरी में आ गए हैं, उनके बारे में भी हम बता रहे हैं, जो कि हमें कोशिश करना चाहिए, चूंकि ये एक पब्लिक एक फोरम है जहाँ पे हर तरह के अधिकारी कर्मचारी किसान सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर कोशिश करें कि हम लोग उसको अवॉइड करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और मैं पूरे संस्थान परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम जो है वो किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद है और भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम हम लगातार करते आ रहे हैं। और जितने भी हमारे केंद्र के किसान जुड़े हुए हैं, जितने केवीके से या अटारी से जुड़े हुए हैं और जो भी एक्सपर्ट हैं, अगर वहां पे सूचना हमें पहुंचा दी जाए कि जो भी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, संतान का नाम, वैज्ञानिक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, तो सीधे भी वो संपर्क कर सकते हैं। वैसे हमारा आईएचआर बैंगलोर है जो मेन सेंटर है, वो दोनों किसानों और वैज्ञानिकों के बीच में कड़ी का काम करता है और उनको सारी सूचना उपलब्ध कराता है। इसके साथ मैं बहुत बहुत पुनः बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद, क्योंकि अभी दो कार्यक्रम और चल रहे हैं, मुझे उनके साथ भी जुड़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा भी आपसे माफी चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपके सुझाव को जरूर हम अब उसका क्रियान्वयन करेंगे आने वाले समय में, और जो आपने जितने भी सुझाव दिए हैं वो हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। आपके जो प्रेरणादायक शब्द थे उसके लिए मैं पुनः अपनी ओर से और अपने निदेशक और संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर राजवीर सिंह डायरेक्टर साहब जो हैं अटारी जोन वन के, अगर वो जुड़े हैं तो कृपया अपने विचार रखें। डॉक्टर, आप सबको मेरा नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। पहले तो जो ये एक प्रयास था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बहुत ही शानदार प्रयास, कल भी मैं ज्वाइन किए हुए था, आज भी सेशन के अंदर मैं पूरी तरह से सुन रहा था आप लोगों की बात। सबसे पहले मैं तो डॉक्टर दिनेश उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ना सिर्फ फार्मर्स, ना सिर्फ केवीके, बल्कि आईसीआर के और रिसर्च इंस्टीट्यूट उनको जोड़ के जो ये इंटरफेस किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि कोरोना काल के अंदर जो वेबकास्टिंग से हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, अब तो फार्म मेला सबसे पहली शुरुआत, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पीएयू ने पहला वर्चुअल मेला सितंबर 2020 में किया था, हम उसके एक पार्टनर थे। कुछ प्रॉब्लम को यदि मैं छोड़ दूं, एक तरफ रख दूं, तो वो भी एक बहुत बढ़िया और सक्सेसफुल रहा था, करीब 1,00,000 से ज़्यादा फार्मर उसमें जुड़े थे। तो ये जो प्रचलन जो अब चला है किसान वर्चुअल किसान मेला का, मुझे लगता है कि बहुत ही सशक्त माध्यम बनेगा आने वाले समय में। और IIHR डेफिनेटली साउथ में है, तो यहाँ के फार्मर्स को इतना नहीं मालूम था इसके बारे में। अब जो जिस तरह के जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपकी प्रेजेंस और ज्यादा दिखाई देगी, और आपकी जो टेक्नोलॉजी, कुछ एक टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर ने अडॉप्ट भी की आपकी, मुझे लगता है और ज्यादा क्लोजली यदि काम करेंगे तो इसके अंदर और ज्यादा कामयाबी मिलेगी। सिद्ध के डायरेक्टर को मैं देख पा रहा हूँ, डॉक्टर डीबी सिंह जी, आपके साइंटिस्टों ने जो मतलब टेम्परेट फ्रूट के बारे में बताया, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बड़ी सरल भाषा में और बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे वो लोग। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इसकी जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो IIHR का रोल बहुत ही शानदार रहेगा, और हॉर्टिकल्चर से जो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की बात कर रहे हैं, एक बड़ा सशक्त माध्यम है। मैं एक छोटा सा मेरा एक निवेदन ये रहेगा कि आगे से जैसे पोस्ट हार्वेस्ट एंड आपने काफी कवर भी किया, लेकिन सीफेटेक इंस्टीट्यूट है जो लुधियाना में ही है, उनके भी साइंटिस्टों को यदि हम जोड़ पाते तो ज्यादा, और भी उनकी कुछ एक टेक्नोलॉजी है जो लार्ज स्केल के ऊपर इंप्लीमेंट की जा सकती है। इसके साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हमने एक अभियान किया हुआ है न्यूट्री स्मार्ट विलेज का, हर केवी के दो दो गाँव को लेके और न्यूट्री स्मार्ट विलेजेस की स्थापना कर रहे हैं।
करीब 15-20 विलेज ऐसे बन चुके हैं जिसके अंदर काफी मतलब फार्मर पूरा सेचुरेट किया है इस बारे में। आने वाले समय में इसको हम और एक मिशन मोड के अंदर काम कर रहे हैं, ये प्रायोरिटी भी है। और जब पोषण मुक्त कुपोषण मुक्त भारत और पोषण भारत की बात करते हैं तो न्यू हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में जो आपने ये अभियान स्टार्ट किए हैं, जो आपने इंटरफेस और ये किए वर्चुअल मेले किए हैं, इससे आने वाले समय में और ज्यादा हमें फायदा होगा। और मैं एक बार फिर आप सबकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। आज जो डिस्कशन हुआ मुझे लगता है इसके बहुत फायदे होंगे। आप देख भी रहे हैं कि कई केवी के अपने फार्मर्स के साथ बैठे हुए हैं और ये मैसेज जो है हमारे सभी हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट जितने भी केवी के अंदर 79 केवी के हैं सभी लोग जुड़ रहे हैं। कहीं कहीं प्रॉब्लम आई है, मेरे पास फोन भी आए थे वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे, बट इवन देन फिर भी मैं ये मानता हूँ ये बहुत ही सराहनीय प्रयास था। और मैं ये चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर हम इस तरह के प्रोग्राम क्वार्टरली बेसिस पे करें ताकि और ज्यादा अपना एक अच्छा मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी मतलब हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में जो कि सनराइज सेक्टर भी कहते हैं हम, तो इसके अंदर प्रगति होगी। मैं एक बार फिर पूरी IIHR के डायरेक्टर साहब, मेरे अच्छे मित्र डॉक्टर दिनेश जी और उनकी पूरी टीम, मैं देख रहा था कि बीच बीच में आप लोगों ने बहुत छोटी छोटी वेबिनार करके भी आपको सेंसिटाइज किया कि किस तरह से जुड़ना है, और आज उसका मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग इसके साथ जुड़े हैं। आपका जो मैसेज है वो क्लियर ग्रास रूट लेवल तक जाएगा और इस चीज में जो भी हमें कभी प्रॉब्लम मिलेगी, जैसे कि अभी डायरेक्टर साहब ने कहा था कि हम एक यूनिटी इस तरह से खोल देंगे, आप लॉग इन करके कभी भी हमसे टेक्नोलॉजी के मतलब उसके अंदर भागीदारी बन सकते हैं। बहुत सराहनीय प्रयास, पूरी टीम को मेरा सलाम। धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपने हमारे जो प्रयास है उसकी सराहना की है, हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका जो निर्देश होगा और जो हमारा सहयोग है ये अब हमारे संस्थान के साथ बना रहेगा। धन्यवाद सर। डॉक्टर VP शर्मा जी, ICR डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, क्या वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सर संक्षेप में वो नहीं है। इसके बाद डॉक्टर देशवीर सिंह, डॉक्टर साहब मैं हूँ। अच्छा सर, आप यहाँ फोटो दिखाई नहीं दिया इसलिए मैं डॉक्टर VP शर्मा जी, सर संक्षेप में थोड़ा सा रिमार्क्स देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसके बाद हमें दूसरा सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और सबसे पहले मैं IIHR की टीम को जो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ऑर्गेनाइज किया, मैं डॉक्टर दिनेश और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाए वाकई ये बहुत ही सराहनीय है, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि किसानों को इससे बहुत जबरदस्त फायदा इसका मिलेगा। जिस तरह से हॉर्टिकल्चर में रिलेटेड जितने भी चाहे फल थे, चाहे सब्जियां थी, चाहे फ्लोरिकल्चर का एस्पेक्ट था, चाहे आलू से जुड़ी समस्याएं थी, जिस तरह से उठाया गया किसानों द्वारा और जिस तरह से जो किसानों की फील्ड पर रह करके जिस तरह से डेमोस्ट्रेशन दिए, अपनी टेक्नोलॉजी को बताया कि किस तरह से उनको फायदा पहुंच रहा है, मुझे लगता है कि सभी किसान भाई इससे एक बहुत बड़ा जो है एक पाठ सीखेंगे और सभी जो हमारे संस्थान हैं उनकी ओर बढ़ेंगे और जो नई नई टेक्नोलॉजीज हम डेवलप कर रहे हैं उनकी ओर आकर्षित होंगे और उसका फायदा उठाएंगे। आज हुम के ऊपर, मशरूम के ऊपर कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई, और मेरा मानना है कि जो मशरूम है वो किसानों की आय को डबल करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां, जमीन कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी निश्चित तौर पर, और कल सभी सेशन में मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः IIHR की पूरी टीम को, डॉक्टर दिनेश साहब को और सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे रिमार्क्स, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम जुड़े रहेंगे और आपका सहयोग मिलता रहेगा। डॉक्टर देशवीर सिंह, डायरेक्टर ICR CIETS, सर आपके वैल्यूबल रिमार्क्स। सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको नमस्कार। डायरेक्टर IIHR डॉक्टर दिनेश जी और उनकी जो टीम है, उन्होंने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, कोऑर्डिनेट किया, ये हाईली अप्रिशिएटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल द टीम। तमाम आपकी IIHR की टेक्नोलॉजीज जो भी फार्मर्स के लिए यूजफुल हैं, उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन का ओवरव्यू,
उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन फार्मर तक पहुंचाई। स्पेशली ये जो वेबिनार के द्वारा, इसमें मैक्सिमम फार्मर केवी के इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ और हमारी हार्टिकल्चर की जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब इसमें जुड़ी हुई हैं। IHR का ये प्रोग्राम एक यूनिक प्रोग्राम पिछले 2-3 साल से चल रहा है और इस साल उसमें और भी 4 चांद लग गए, जो अपने ऑनलाइन ये कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन मीटर की बहुत सारे क्रॉप वाइज जो डाउट थे, प्रॉब्लम्स थी, वो डिस्कस की गई। IHR की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको बहुत बारीकी से वहाँ के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिटेल में दिया, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो थे उन्होंने भी अपनी जो सक्सेस स्टोरीज उनने बताई, जिससे कि बहुत हौसला मिल जाता है बाकी फार्मर्स को जो इंट्रैक्शन पे थे ये टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए। बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम था ये, जिसमें कि हर प्रांत के लोग, हर रीजन और क्लाइमेट के लोग फार्मर जुड़े हुए थे। स्पेशली मैं अपने टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का कहना चाहूँगा कि ये सीज़न इस समय यहाँ पे विंटर का है, बहुत स्नोफॉल है, क्रॉप फील्ड में नहीं है, तो हमारे साइंटिस्ट ने कोशिश की, जो डाउट्स थे, जो भी इंट्रैक्शन पॉइंट्स थे उन पे डिस्कस किया। पर मैं आई विश फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, कि आने वाले सीज़न में जब यहाँ क्रॉपिंग सीज़न होगा, ये अप्रैल से स्टार्ट होता है, नवंबर तक रहता है, इसके बीच में जब मैक्सिमम क्रॉप हूँ, हम एक इस तरह का वर्चुअल प्रोग्राम जो है IHR की हेल्प से, उनकी कोऑर्डिनेशन और उनके जिस तरह का उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनसे हेल्प लेके हम उस तरह का एक प्रोग्राम, एक टेम्परेट हॉर्टिकल्चरल फ्रूट एंड नट्स और वेजिटेबल्स का रखें, जिसमें कि हमारे उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ऊटी, कोडेकनाल, मनार हिल्स, वहाँ के जो फार्मर्स हैं जो इस क्रॉप से हमारे जुड़े हुए हैं, हमारी टेक्नोलॉजीज वहाँ पहुँची हैं, इस तरह का एक प्रोग्राम दें, तो इसमें सक्सेस करने के लिए सर IHR की हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार फिर मैं IHR की तमाम टीम, डायरेक्टर साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जो आज के प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर अनिल, उन्होंने परफेक्ट हिंदी में और परफेक्ट प्रोफेशनल तरीके से इसको कोऑर्डिनेट किया। मैं और मैं अपने जो साइंटिस्ट टीम है वो अप्रिशिएट करते हैं। एक बार फिर मैं डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर धनंजय जी और बाकी जितने भी इस प्रोग्राम में बाकी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इसमें योगदान दिया, उनको अप्रिशिएट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम से हमें एक प्रेरणा मिली, जो हम फर्दर अपने इंस्टीट्यूट्स में जो प्रोग्राम करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। Once again, congratulations and compliments from Central Institute for Temperate Horticulture. Thank you, Namaskar. Thank you, Dr. Deshbir Singh Ji. Actually, हमको आपका धन्यवाद करना है, क्योंकि आपके सहयोग से ही जो हम लोग मुख्य विशेष रूप से जो हमारे फल फसलें थी, उसमें आपके वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर वसीम और डॉक्टर जावेद जी ने बहुत सहयोग दिया, जिसके कारण हम इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन कर सके। आपके जो शब्द थे वो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, और जैसे कि आपने बोला कि भविष्य में हम मिलकर कार्यक्रम करेंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा है कि अगर हम प्रत्येक वैज्ञानिक आपस में और जो संस्थान है आपस में कंधा मिला के चलेंगे, तो ना सिर्फ संस्थान बल्कि देश में आने वाले समय में बागवानी फसलों में जो हमारे डबल द इनकम का जो प्रोग्राम है उसको करने में हम सक्षम होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया संक्षेप में हमारे बीजों के बारे में, कैसी उसकी उपलब्धता है, उसके बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद सर। किसान भाइयों और बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का एक ऑनलाइन सीड पोर्टल है, जिसके थ्रू आप अपने घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं और बीज आपके घर तक पहुंचेगी। हम 60 से अधिक किस्मों के फसलों के बीज आपके घर तक पहुंचाने में सक्षम हैं, और यह एक SBI का जो योनो ऐप है इससे भी जुड़ा हुआ है, तो आपको पेमेंट के लिए भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान के प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई से संपर्क साध सकते हैं, या फिर आप कुछ ना मालूम हो तो आप हमारे निदेशक महोदय के यहाँ एक पत्र या एक ईमेल डाल दें। NHF की भी साइट पर सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर अंजनी कुमार झा जी। अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी कृषक मित्रों का जो कि सुबह सुबह हमसे जुड़े और अभी तक इस कार्यक्रम में बने रहे, विशेषकर जो जोन वन के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अटारी है, वहाँ पे उपस्थित उनके अधिकारीगण और जो कृषक मित्र हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विभिन्न संस्थानों के निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों के निदेशक जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा जो विशेषज्ञ थे अलग अलग संस्थानों से, वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बहुमूल्य जानकारी हमारे किसानों के लिए प्रदान की, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ मेरे साथ मंच पे थे, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर अंजनी कुमार झा जी, और बीच बीच में जो हमारे विभागाध्यक्ष लोग जो थे वो भी आए, उन्होंने अपने अपने विभाग के बारे में जानकारी दी, तकनीकों के बारे में जान दी, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी हमारे केंद्र हैं वो हमसे जुड़े हैं, 16 राज्यों में स्थित हैं, उनके सभी कर्म जो साथीगण हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र, अटारी संस्थान, उनके निदेशक, सारे कर्मचारियों को और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे कृषक मित्र हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग की वजह से ये कार्यक्रम को सफल बना चुके। मैं विशेष रूप से अपने धन्यवाद दूंगा अपने निदेशक महोदय को कि उन्होंने समय निकाला और यहाँ पे आके हमारे लिए आशीर्वचन दिए। एक बार फिर से सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के निदेशक और प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से आप सबको विशेष धन्यवाद धन्यवाद। ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं।